गुड आफ्टरनून इंडिया चलिए अभी ज़बरदस्त त्योहार का मौसम लेकिन जो है फिर भी हम लोगों को अभी पढ़ना है क्योंकि वन वीक के अप्रॉक्स में अब एग्ज़ाम है तो फेस्टिवल और त्यौहार ये सब का मस्ती थोड़ा सा कम ठीक है अभी पढ़ाई ज़्यादा <coughs> आज हम लोग आज हम लोग जो है सॉल्यूशन का सॉल्यूशन का हम लोग वन शॉर्ट करने जा रहे हैं अब देखो सॉल्यूशन चैप्टर थोड़ा सा अलग ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ऐसे तो ये फिजिकल का चैप्टर है फाइव मार्क्स ऑफिशियली इसमें दिया गया है पाँच मार्क्स का ही आता है लेकिन मतलब बिहार बोर्ड में शायद ही ऐसा कभी है जो कि पाँच नंबर से ज़्यादा नहीं पूछा है मतलब ये एक ऐसा चुनिंदा चैप्टर है जो है पाँच नंबर का जैसे कि वहाँ इनऑर्गेनिक में पी ब्लॉक था पी ब्लॉक ऐसे ऑफिसअली आठ नंबर का है लेकिन हमेशा उससे ज्यादा पूछता है उसी तरह से सॉल्यूशन एक ऐसा चैप्टर है जो ऑफिसली पांच नंबर का है लेकिन हर बार एग्जाम में जो है आपको पांच से ज्यादा ही मार्क्स पूछता है मतलब इसका नंबर कभी कभी 17 तक गया है सत्रह नंबर लॉन्ग में भी शॉर्ट में भी ऑब्जेक्टिव में भर दिया है सॉल्यूशन का अच्छा इसमें सॉल्यूशन में तीन चैप्ट क्वेश्चन आप लोग पहले ही इसका रिवीजन कर चुके हो राउल्स लॉ हिमांक अवन अक्वाथनांग का उन्नयन जो कि दो दिन पहले आज कितना है सत्ताईस है ना छब्बीस पच्चीस को पच्चीस को जो हम आपको इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन सब दे रहे थे उसमें वो कर लिए थे है ना तो ये सॉल्यूशन से ही वो तीन लॉन्ग उसमें गया था जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके अलावा आज सारा का सारा टॉपिक कोशिश करेंगे हम लोग कम समय में रिविज़न करने का अगर आप अगर आप घर में बैठ के इसको रिविज़न करते तो काफ़ी समय लगता क्योंकि बहुत डिटेल में हम लोग पढ़े हैं सारे टॉपिक को लेकिन कोशिश करेंगे एकदम कम से कम समय में सारा टॉपिक रिवीजन हो जाए कुछ इस अंदाज में कि आप डिलीवर कर सको आप लिख सको ठीक है उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से फिर से रिवीजन करेंगे मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब तुम लोग बनाओगे तो फिर से ये वाला चैप्टर एक बार रिवीजन हो जाएगा और शॉर्ट लॉन्ग तो जब हम रिवीजन कर रहे हैं वहाँ से हो जाएगा तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री का चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले हम आपको रिवीजन कराते हैं ठीक है उसके बाद तब फिर ऑब्जेक्टिव से फिर हम लोग जो है रिवीजन करेंगे एकदम मतलब आज ये वाला चैप्टर जो है ना यहाँ नहीं यहाँ आ जाना चाहिए मतलब आज ही एकदम समझ लो कि फुल एंड फाइनल इसको खत्म कर लेना है ठीक है क्या आप हमको एकदम अच्छे से देख पा रहे हो अच्छे से सुन पा रहे हो सबसे पहले तो ये बताओ तब हम लोग शुरू करते हैं यस सर यस सर चलो बहुत अच्छा वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड चलो बहुत अच्छा वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड हाँ क्रिस्टल क्लियर क्या बात है चलिए शुरू करते हैं तब ठीक है आ जाओ देखो सबसे पहले इस चैप्टर को इस चैप्टर को हम लोग रिवाइज कर रहे हैं मतलब आप समझ लो कि जो पूरा का पूरा चैप्टर है पहले हम लोग वो उसको देखेंगे ठीक है उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव और ये सब पे क्वेश्चन करेंगे ठीक है ऑब्जेक्टिव पे भी है ये फिर जो है ऑब्जेक्टिव हम लोग करेंगे मतलब मैक्सिमम इतना ऑब्जेक्टिव अभी आज हम लोग कर लेंगे ना कि ऑब्जेक्टिव से अगर ये क्वेश्चन पूछ भी लिया ना कोई भी कितनों घुमा के पूछ लिया सभी से ही आ जाएगा इतना ज़्यादा प्रैक्टिस आज हम लोग करेंगे ऑब्जेक्टिव का लेकिन पहले चलिए पूरा चैप्टर हम लोग थोड़ा सा रिविजन करें इस चैप्टर का पहला टॉपिक था बेसक विलियन ठीक है सॉल्यूशन ठीक है सॉरी सॉरी सॉल्यूशन जिसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं विलियन क्या था भाई एक बर्तन ले लो आप उसमें पानी डालो खूब ऐसे ऐसे करते रहो जिंदगी में कभी शरबत नहीं बनने वाला है सिर्फ आप सूगर ले लो सिर्फ सुगर देखो इसमें सिर्फ पानी लिया गया है इसमें सिर्फ सुगर लिया सिर्फ सुगर ऐसे से ले लो आप एक बर्तन में लेके खूब ऐसे ऐसे करते रहो जिंदगी में कभी शरबत नहीं बनने वाला है शरबत अगर बनाना चाहते हैं तो दोनों को मिलाना पड़ेगा है ना इस दोनों को आपको मिलाना पड़ेगा मिलाने से याद आया कि विलियन दो टाइप का होता है कहीं ऐसा मत मिला देना कि सारा का सारा चीनी जो है वो नीचे जाके पेंदे पे बैठ जाए देखो इसमें सारा का सारा चीनी बैठ गया है ऐसा नहीं ठीक है ऐसा मिलाना है ऐसा मिलाना है जिसमें हर एक भाग पर मीठापन समान हो हर एक भाग पर मीठापन समान हो का मतलब यहाँ पर जितना पानी चीनी हो यहाँ पर भी उतना ही पानी चीनी हो यहाँ पर, पर भी उतना ही पानी चीनी हो मतलब हर जगह क्या हो भाई समान बहुत डिटेल में हम आपको क्लास में और ऐप में बताए थे लेकिन अभी चूंकि वन शॉट है तो एकदम मस्ती से आपको देखिएगा सारा रिवीजन हो जाएगा जो न्यू है ना उनको भी बहुत जबरदस्त रूप से जो है माइंड में कॉन्सेप्ट आ जाएगा लेकिन हाँ बहुत तेज रहेंगे हम लोग ताकि आपका समय हम बचा सकें ज्यादा से ज्यादा ठीक है इस टाइप का आपको मिश्रण बनाना है ठीक है और इसी को कहते थे विलियन अच्छा ऐसे मिश्रण को हम लोग कहते थे क्या भाई समांगी मिश्रण होमोजीनियस मिक्सचर इसलिए डिफिनेशन बनाए थे आप लोग ये वाला मिक्सचर नहीं

या दो से अधिक पदार्थों के समांगी विलयन को समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं ना दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं ठीक है ठीके? तो शर्बत विलयन घोल आप लोग उसी को बोलोगे जिसमें मिनिमम दो पदार्थ होना चाहिए या दो से ज़्यादा भी हो सकता है लेकिन हाँ बिल्कुल एक समान हुआ होना चाहिए एकदम एक समान समांगी हो जाना चाहिए नहीं तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समंगी मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं कहते हैं हैं ये ये तो सेम वाला ये हो गया आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखो हम क्या बोले दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं तो अब देखो विलियन में दो भी पदार्थ हो सकता है दो पदार्थ जैसे कि वाटर और शुगर दो ही पदार्थ हुआ चीनी और पानी ठीक है तो इसको कहिएगा बाइनरी सॉल्यूशन द्विधारी जिस विलियन में केवल दो पदार्थ होता है उसको हम लोग कहते हैं द्विधारी ठीक है जिसमें तीन पदार्थ हो गया ठीक है मान लीजिए कि आप वाटर लिए सुगर लिए और उसमें आप सॉल्ट भी ले लिए, ठीक है तीन चीज ले लिए तब इसको कहते हैं हम लोग टर्नरी एनसी। अगर आप चार पदार्थ ले लिए चार तब इसको हम लोग कहेंगे चतुरअसी और अगर दो से ज्यादा अगर हो गया दो से ज्यादा होना चाहिए दो से जो है ज्यादा होना चाहिए अगर दो से ज्यादा हो जाए मतलब तीन चार पांच छः, सात आठ तब उसको हम लोग बोल देंगे पॉलिनरी सॉल्यूशन पॉलीनरी सॉल्यूशन ठीक है बहुधारी विलियन अच्छा ये हो गया द्विधारी ये हो गया त्रिअंशी ये हो गया चतुरअंशी ये बहुधारी या बहुअंशी ठीक है जिस विलियन में दो ही पदार्थ होगा उसको क्या बोलेंगे बाइनरी जिसमें तीन होगा आप उसको पॉलिनरी कह सकते हो दो वाले को मत बोलना पॉलिनरी दो से ज्यादा होना चाहिए इसको पॉलिनरी बोल सकते हो इसको पॉलिनरी बोल सकते तो हो तो जिसमें तीन होगा उसको टर्नरी भी बोल सकते हो या तो पॉलिनरी भी बोल सकते हो जिसमें चार पदार्थ होगा जैसे पानी चीनी नींबू और नमक चार पदार्थ हो गया तो उसको हम लोग बोलेंगे क्वाटरिया और अगर दो से ज्यादा हो गया तो पॉलिनरी सॉल्यूशन अच्छा देखो हम लोगों को सिलेबस में दिया गया था ये बाइनरी बाइनरी में कितना पदार्थ होगा दो बाइनरी में कितना पदार्थ होगा भाई दो तो एक वो पदार्थ होगा जो दूसरे में घुलेगा नहीं एक पदार्थ ऐसा होगा जो घुल घुल एक वो पदार्थ होगा जिसमें घुल जाएगा है ना मतलब इसके पास घुलाने की क्षमता होगी तुम इसको देखो ये क्या कर रहा है ये क्या कर रहा है भाई ये दूसरे को क्या कर रहा है घुला रहा है तो इसके पास इस पदार्थ के पास कौन सी क्षमता है घुलाने की क्षमता है घुलाने की क्षमता है ना और यह पदार्थ क्या हो जा रहा है घुल जा रहा है ठीक है देखो भाई अभी आपका नाम जो है सो है लेकिन अगर टॉपर बन गए तो आपका नाम में एक और चीज जुड़ जाएगा क्या टॉपर उसी तरह से ये शुगर भी हो सकता है नमक भी हो सकता है एन भी हो सकता है इसका अपना नाम है लेकिन जब ये और पानी मिलके सॉल्यूशन बनाएगा ठीक है तो सॉल्यूशन जैसे बनाएगा उसका जो अपना नाम है ओरिजिनल नाम है उसके अलावा भी हम लोग जो है एक एक नाम रख देते हैं ठीक है एक एक नाम रख देते हैं देखो सुगर और वाटर दोनों का अपना अपना नाम तो है ही लेकिन जैसे ही दोनों सॉल्यूशन बनाएगा तो शुगर और वाटर के अलावा भी जो है हम लोग एक एक नाम रख देते हैं अच्छा वो जो शुगर और वाटर है उस दोनों में से जो घुलेगा उसको कहिएगा सॉल्यूट विले ठीक है ठीक और ये कम मात्रा में होता है लेस अमाउंट में देखो ना एक दो तीन चार पाँच छः इसमें छः वर्ड इसमें देखो छः अल्फ़ाबेट और इसमें सात तो सॉल्यूट आप उसको किसको बोलोगे भाई विले किसको बोलते थे जो घुल जो कम होगा ये घुल जाएगा और ये कम होगा ये घुल जाएगा और ये कम होगा अच्छा ये क्या होगा भाई घुला लेगा और ज़्यादा होगा ठीक है तो बाइनरी सॉल्यूशन हम लोगों के सिलेबस में दिया गया है बाइनरी सॉल्यूशन में कितना पदार्थ होगा दो इसमें से एक एक जो पदार्थ होगा उसका नाम रखेंगे हम लोग सॉल्यूट और सॉल्यूट उसको बोलेंगे जो घुल जाएगा ठीक है और सॉल्वेंट उसको हम लोग बोलेंगे जो क्या करेगा भाई घुला लेगा है ना तो सॉल्यूट सॉल्यूट उसको बोलेंगे जो लेस अमाउंट में होगा कम मात्रा में और गेट डिजोल्व घुल जाएगा और सॉल्वेंट उसको बोलेंगे जो जिसके पास कैपेसिटी होगा घुलाने का और ज्यादा मात्रा में होगा अच्छा सॉल्यूट का एग्जाम्पल कौन कौन हो जाएगा भाई सुगर सॉल्ट बहुत सारा एन अच्छा आ, और घुलाने वाले करे वाटर बेंजीन वगैरह वगैरह समझ में आया तो बैनरी सॉल्यूशन, बैनरी सॉल्यूशन उसको हम लोग कहते हैं जिसमें दो सब्सटेंस हो दो सब्सटेंस में से एक घुलेगा और एक घुलाएगा घुल घुला गुल, गुली घुल सॉल्यूट गुल, 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 अघुला सॉल्वेंट कम सॉल्यूट ज्यादा हाँ, कम सॉल्यूट सॉल्वेंट ठीक चलिए उसके बाद तीन और प्रकार का विलियन था ये विलय की मात्रा के आधार पर हम लोग डाले थे वैसा विलियन जिसमें थोड़ा सा ही सॉल्यूट आप डाले हो ठीक है अभी और किसी सॉरी सामान्य ताप पर कमरे के ताप पर इसमें और ज्यादा सॉल्यूट अगर आप डाल सकते हो तब फिर उसको कहेंगे असंतृप्त विलयन अभी अभी ये भूखा है मतलब इसमें बहुत और भी ज्यादा आप सॉल्यूट आराम से डाल सकते हो इसको बहुत डिटेल में पूरा का पूरा एक क्लास में हम लोग यही पढ़े थे लेकिन अभी आप समझ रहे हैं कि समय बस इतना सा है ताकि हम आपको रिविजन करा सके ठीक है तो ये वो सॉल्यूशन होता था जिसमें सॉल्यूट थोड़ा सा होता था मतलब सामान्य ताप पर बिना गर्म किए बिना कुछ किए इसमें और ज्यादा सॉल्यूट डाल सकते हो अच्छा संतृप्त संतृप्त का मतलब देखो क्या हुआ एकदम पेट भरा हुआ ठीक है तो संतृप्त विलियन किसको कहते हैं जिसमें कमरे के ताप पर इसमें इतना ज्यादा सॉल्यूट डाल दिया गया है इतना ज्यादा सॉल्यूट डाल दिया गया है कि अब हम इसमें सॉल्यूट और डाल नहीं सकते हैं तो वह विलियन जिसमें कमरे के ही ताप पर सॉल्यूट की और अधिक मात्रा घुलाई जा सकती है उसको असंतृप्त विलियन कहते थे इसमें एकदम टनाटन तन, पेट एकदम टन हो गया है अब इसमें और नहीं घुलेगा कमरे के ताप पर लेकिन हां जैसे गर्म करोगे तो घुलना शुरू हो जाएगा ठीक है अब क्यों घुलता था वो भी हम आपको बताए थे कि वाटर वाटर का जो मोलिकुलर स्पेस है वो बढ़ जाता है देखो ये एस टू है ना देखो ये ओ और एच में ये ज्यादा ताकतवर है तो इस पर माइनस आ जाएगा ये प्लस अच्छा इस ओ में ये ज्यादा ताकतवर है इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो यहाँ माइनस और यहाँ पर प्लस ये प्लस और माइनस बॉन्ड बना देगा ये माइनस और प्लस बॉन्ड बना देगा यही था ना पानी का पेट जी यही पानी का पेट था अगर थोड़ा सा गुला हुआ रहा तो असंतृप्त विलयन अगर मान लीजिए कमरे के ताप पर आप एकदम पूरा फुल कर दिए एकदम पेट टनाटन तन, तो संतृप्त विलियन और मान लीजिए हाँ लेकिन देखो कमरे के ताप पर ये फुल हुआ है अभी जैसे इसको गर्म करोगे ना तो गर्म करने के बाद कोई भी चीज फैलता है तो ये वाला बॉन्ड फैलेगा ये बॉन्ड फैलेगा ये वाला बॉन्ड फैलेगा और ये वाला जो बॉन्ड है वो भी फैलेगा तो एक्स्ट्रा जगह बनेगा तो और घुल सकता है अगर ताप बढ़ा दीजिएगा तब इसमें घुल सकता है लेकिन कमरे के ताप पर सामान्य ताप पर ये ऑलरेडी क्या हुआ है फूल है और इसमें तो किसी भी ताप पर नहीं घुलता था नहीं तो तीन टाइप का विलियन था असंतृप्त इसमें कमरे के ताप पर आप लोग घुला सकते हो इसमें कमरे के ताप पर आप नहीं घुला सकते हो लेकिन ताप अगर बढ़ाते हो तब फिर घुल जाएगा लेकिन कमरे के ताप पर नहीं घुलेगा उसमें किसी के ताप पर नहीं तो ये अच्छा एक मिनट एक मिनट मिन, मिन, हम आपसे डेफिनेशन पूछे फटाफट अगर असंतृप्त विलियन का परिभाषा अगर पूछ दिया तो क्या बोलोगे वह विलियन जिसमें सामान्य ताप पर सॉल्यूट की और अधिक मात्रा घुलाई जा सकती है कि नहीं घुलाई जा सकती आप लोग लिख के बताइए ये कौन सा विलियन है जिसमें सॉल्यूट की और अधिक मात्रा घुलाई जा सकती है कि नहीं घुलाई जा सकती फटाफट बोलो केमिस्ट्री बहुत आसान बहुत अच्छा वेरी गुड हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर यही एक ऐसा चैप्टर है जिसमें मतलब आप समझ लीजिए कि पाँच नंबर बोलने का खाली हमेशा पाँच से ज़्यादा पूछता है ठीक है हमेशा पाँच से ज़्यादा पूछता है यस 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 घुला सकते हैं घुला सकते हैं घुला सकते हैं वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बहुत अच्छा तो इसमें आप कमरे के ताप पर और ज़्यादा घुला सकते हो मतलब ये बेचारा भूखा है ई एकदम टनाटन है ऐसे तो नहीं बोलेगा लेकिन बोलोग खाओगे कि नहीं खाओगे ठीक है तो फिर खा लेगा मतलब कमरे का कमरे सॉरी टेम्परेचर जब तुम बढ़ाओगे तब फिर ये खा लेगा ठीक है इसमें किसी की विताप पर नहीं तो असंतृप्त विलियन संतृप्त विलियन और अति संतृप्त विलियन ठीक अब आ जाइए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ठीक है देखो विलियन में दो पदार्थ होता है एक पानी और एक चीनी ठीक तो कितना पानी कितना चीनी क्योंकि खाली आप सिर्फ सिर्फ और अब आप बोल देते हो कि वाटर और शुगर है तो उससे बहुत कुछ नहीं पता चलेगा सॉल्यूशन का जान होता है उसका गाढ़ापन उसका सांद्रन याद करिए केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में जब हम आपको बताए थे कि सेम पदार्थ का बहुत 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 कम सांद्रन लोगे बहुत 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 कम सांद्रन तो एंटीबायोटिक बनता है ठीक है एंटीबायोटिक आपका जो है बीमारी सबको हटाता था थोड़ा सा वो तो बहुत 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 बहुत, बहुत कम था मतलब कम लोगे तो एंटीसेप्टिक बनेगा जिसको सिर्फ त्वचा के ऊपर आप इस्तेमाल कर सकते हो और अगर ज्यादा सांद्रण ले लिए तो फिर वो रोगनाशक डाइसाइन फैक्टेंट बन जाता था जो इंसान को खत्म भी कर सकता है तो सॉल्यूशन का सांद्रण जो है ना गाढ़ापन उसका जान होता था तो अगला टॉपिक हमारा है सांद्रण सांद्रण का मतलब गाढ़ापन गाढ़ापन उसका मीठापन उसका फीकापन कोई भी विलियन अगर है बाबू तो विलियन का जान है उसका मीठापन मीठापन बहुत ज्यादा जरूरी है मतलब मीठापन उसका पहचान है कि कौन सा सॉल्यूशन मीठा है कौन सा सॉल्यूशन फीका है कौन सा सॉल्यूशन गाढ़ा है कौन सॉल्यूशन पतला है और मीठापन आपको सोने से नहीं पता चलेगा पैर ऊपर सर नीचे करने से नहीं पता चलेगा आपको पता चलेगा आपने कितना सॉल्यूट उसमें मिलाया है और आपने कितना उसमें सॉल्वेंट मिलाया है या कभी कभी सॉल्यूशन ठीक है तो इसीलिए इस दोनों के मात्रा के अनुपात को सॉल्यूट मतलब जिसको आप घुला रहे हो और सॉल्वेंट मतलब जिसमें आप घुला रहे हो तो सॉल्यूट की मात्रा और आप जानते हो हम आपको वो टैंक वाला एग्जाम्पल दिए थे कि आप अगर मान लीजिए कि कोई शरबत बना रहे हो हाँ और उसमें जो है आप उसमें वाटर भरे आप हाँ चीनी नाम का दिए हो नाम का तो पानी जो है ना पानी वाटर 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 हमारा होता है सॉल्वेंट वाटर हमारा क्या हो जाता है सॉल्वेंट तो वाटर हो गया हमारा क्या भाई सॉल्वेंट थोड़ा थोड़ा सा ही उसमें मतलब सा ही ही उसमें सॉल्यूट डालिए मतलब चीनी डालिए तो थोड़ा सा चीनी डालने से वो शरबत तो बन गया लेकिन शरबत का मात्रा बहुत ज्यादा तो नहीं बढ़ेगा मान लीजिए एक हजार के जी हमारा सॉल्वेंट है एक हजार के जी तो एक दाना चीनी डालने से क्या होगा ये दस हजार के जी हो जाएगा नहीं होगा ठीक है एक दाना चीनी डालिएगा तो क्या होगा भाई वो शरबत तो बन गया लेकिन शरबत की जो मात्रा है मतलब सॉल्यूशन का जो मात्रा है वो जितना पानी था उतना ही रहेगा भाई आपका जो मांस है एक तो ऐसा करके चीनी चट कर जाऊँ तो आपका क्या दम भयंकर दस के जी मांस बढ़ जाएगा वही रहेगा तो पानी का मास अगर एक हजार के जी है तो एक दाना चीनी डालने से सॉल्यूशन का शरबत का भी मास वही रहेगा तो बहुत केस में क्या होता है सॉल्यूशन और सॉल्वेंट का जो मास होता है वो बराबर हो जाता है अमाउंट क्या हो जाता है बराबर हो जाता है इसीलिए अगर आपको मीठापन जानना है सांद्रन जानना है गाढ़ापन जानना है तो सॉल्यूट की मात्रा आप ऊपर में रखिए सॉल्वेंट या सॉल्यूशन की मात्रा नीचे में रखिए है ना तो डेफिनेशन बनाता सॉल्यूट की मात्रा तथा सॉल्वेंट या सॉल्यूशन की मात्रा के अनुपात को गाढ़ापन मीठापन सांद्रन कहते हैं सांद्रन इस दुनिया में आपका कपड़ा धोने के नहीं आया सांद्रन इस दुनिया में जो है आपका खाना बनाने के लिए नहीं आया सांद्रन इस दुनिया में आया है कौन सा सॉल्यूशन मीठा है कौन सा सॉल्यूशन फीका है यही बताने के लिए अच्छा ये बताएगा कैसे तो सॉल्यूट की मात्रा आपको ऊपर में रखना है और सॉल्वेंट या सोल्यूशन की मात्रा को कहाँ करना है नीचे इसके बाद आपने देखा था कि सेंद्रन बहुत टाइप का आप लोग पढ़े थे सानंद्रन बहुत टाइप का पढ़े थे मोलारिटी मोलैटी मोल मुल, फ्रैक्शन नॉर्मलिटी ग्राम पर लीटर ठीक है परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू परसेंटेज डब्ल्यू बाई भी परसेंटेज भी बाय भी फॉर्मेलिटी ठीक है उसके बाद पीपीएम बहुत सारा आप लोग पढ़े थे लेकिन ये तीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसका परिभाषा भी एग्जाम में पूछा जाता है ठीक है नॉर्मलिटी का क्वेश्चन आ सकता है लेकिन ये तीनों तो परिभाषा भी पूछ देगा आपको बोर्ड में ठीक है तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं मोलरिटी मोलोरिटी क्या है समझ में आ रहा है मोलोरिटी सांद्रन का एक प्रकार है है ना मोलोरिटी का भी धर्म वही है जो कंसंट्रेशन का है ठीक है मोलरिटी कंसंट्रेशन इस दुनिया में क्यों आया मीठापन फीकापन को बताने के लिए उसी तरह से मोलरिटी हम लोगों को क्या करेगा मीठापन फीकापन ही बताएगा आ, कंसंट्रेशन ही बताएगा और मोलरिटी का भी जन्म कैसे हुआ है वो भी देख लो यहां पर ठीक है देखो ऊपर में आपको सोल्यूट रखना है नीचे में सोल्यूशन या सोलवेंट रखना है तो देखो ऊपर में सॉल्यूट तो रखना है नीचे सॉल्वेंट या सॉल्यूशन रखना है लेकिन किस यूनिट में रखना है ये आपको पता है नहीं पता है सॉल्यूट कौन सा यूनिट में रखोगे सॉल्यूशन कौन से मात्रक रख में रखोगे नहीं पता तो अपने मन से अगर तुमने इसको मोल में ले लिया और इसको अगर तुमने लीटर में ले लिया अगर इसको तुमने मोल में ले लिया अगर तुमने इसको लीटर में ले लिया तो ये अपना नाम बदल के हो जाएगा मोलारिटी। याद करिए शक्तिमान वाला हम एग्जाम्पल दिए थे क्लासरूम में लेकिन खैर चलो अभी आ, थोड़ा तेज निकल रहे हैं तो ऊपर वाला ऊपर वाले को अगर मोल में लेते हो और नीचे वाले को अगर लीटर में ले लेते हो तब फिर ये अपना नाम बदल के हो जाएगा मोलरिटी अगर सामने में गुंडा है तो बन जाता था शक्तिमान जैसा देश वैसा भेष जैसा मात्रक वैसा नाम ठीक है तो मोलरिटी में ऊपर वाला मोल में और नीचे वाला किस में होता था लीटर में चलिए आगे बढ़ते हैं अब मोलरिटी का परिभाषा क्या था भाई एक लीटर विलियन में जो लेना है आपको कितना एक लीटर एक लीटर में जितना भी सॉल्यूट का मोल घुला हुआ है वही मोलरिटी है molarity क्या था भाई लीटर लीटर आपको सॉल्यूशन सॉल्यूशन ले लेना है सॉल्यूशन का मतलब हो गया शरबत अब अगर शरबत अगर है तो इसमें सॉल्यूट जो कि घुलता है सॉल्यूट जो कि घुलता है वो भी होगा और सॉल्वेंट भी होगा है ना ठीक है तो सॉल्वेंट और सॉल्यूशन तो बहुत केस में बराबर ही होता है तो इसको छोड़ दो मोलिटी मोल mol, mol, को मोलरता को परिभाषित करने के लिए आपको क्या करना है एक लीटर सॉल्यूशन लेना है एक लीटर आपको शरबत लेना है और एक लीटर शरबत में आप देखिएगा कितना सॉल्यूट का मोल घुला हुआ है सॉल्यूट का कितना मोल घुला हुआ है तो एक लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जितना मोल घुला हुआ होगा वही मोलरिटी है एक लीटर सॉल्यूशन में एक मोल घुला हुआ है मोलरिटी एक दो मोल घुला हुआ है मोलरिटी दो तीन मोल घुला हुआ है मोलरिटी तीन चार मोल घुला हुआ है मोलरिटी चार गधा मोल घुला हुआ है मोलरिटी गधा मतलब एक लीटर सोल्यूशन में जितना मोल होगा वही मोलरिटी है गधा मोल है तो मोलरिटी गधा तो क्या वो था एक लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोल की संख्या को मूलरता कहते हैं परिभाषा याद एक लीटर विलियन में उपस्थित विले, मतलब सॉल्यूट के मोल की संख्या को मूलरता कहते हैं द नंबर ऑफ ऑफ मोल्स सॉल्यूट प्रेजेंट इन एक लीटर विलियन में उपस्थित विलेय की, की संख्या को मूलरता कहते हैं अच्छा इसका हम आपको तीन परिभाषा बताए थे याद करिए सब ड्राइव करके भी लाए थे लेकिन आप डायरेक्ट चूंकि दो नंबर में पूछेगा तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दीजिएगा पहला फार्मूला मोलरिटी का था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट सॉल्यूट का मोल जो है ना आपको ऊपर में रखना है सॉल्यूट का मोल ऊपर में रखना है नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर अच्छा नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट को हम लोग एन से सूचित करते थे आयतन को वॉल्यूम को भी से सूचित करते थे तो मोलरिटी का पहला फार्मूला आया था एम इज इक्वल टू एन बाई भी एन बाई भी मेरे साथ बोलते रहना एन बाई भी एन बाई भी एन क्या हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट सॉल्यूट मतलब जिसको आप घुला रहे हो उसके मोलों की संख्या उसके मोलों के ग्राम की संख्या नहीं के की संख्या नहीं मोलों की संख्या ठीक है और नीचे क्या रखना है भाई आयतन ठीक है अच्छा इसी को जब तोड़ते थे तो ये वाला फॉर्मूला आया था मास ऑफ सॉल्यूट अगर मान लीजिए मोल नहीं दिया रहे सॉल्यूट का विले का मास दिया हुआ रहेगा तब क्या करोगे तो आपको मास ऊपर में रखना है ग्राम में बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हीं से फॉर्मुला था है? अगर में दे दिया तब यहां एक हजार कर देंगे बाकी इधर सेम रहेगा solute, ग्राम में, molar, molar कैसे आप समझ रहे हो मोलर द्रव्यमान निकालेंगे सारा द्रव्यमान संख्या जोड़ देंगे सारा द्रव्यमान संख्या जैसे जोड़ेंगे मोलर मास निकल जाएगा इंटू थाउजेंड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन एम एल तीनों फॉर्मुला हो गया पहला मोलर इट इज इक्वल टू एन बाई भी दूसरा मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वन बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर और अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है विलियन का आयतन अगर एमएल में दिया हुआ रहेगा तो एक हजार, ठीक अच्छा एक बताओ तो, ठीक स्पीड से चल रहे हैं या और बढ़ा दें या घटा दें क्या करना है बोलो अच्छा आप लोग परिभाषा भी बोलते चले जा रहे हैं वेरी गुड वेरी गुड थोड़ा घटा दीजिए सर थोड़ा फास्ट अच्छा दोनों हैं थोड़ा बढ़ने का भी है थोड़ा घटने का भी है अच्छा लगभग लगभग लग वैसे ही रखते हैं ओह वाह हम भी मिठाई एकदम खाएंगे जो है एकदम मस्ती से आप लोग मिठाई खिलाइएगा तो वेरी गुड हाँ कोशिश करना है बाबू एकदम आज जो है ना सॉल्यूशन चैप्टर एकदम क्लियर कर लेना है ठीक है इसके बाद एकदम पूरा ऑब्जेक्टिव डबल रिवीजन हो जाएगा सबसे मजेदार बात क्या है डबल रिवीजन हो जाएगा अभी ये फिर देखना ना ऑब्जेक्टिव से करेंगे अब आइए तोतला भाई तोतला भाई था आप जान रहे हैं वहां पर जहां एक लीटर था यहां होता है एक के जी एक के जी और वहां पर शरबत लेते थे विलियन यहां लेते हैं पानी मतलब विलायक बस वही है ठीक है तो वहां एक लीटर तो यहां एक के जी वहां शरबत तो यहां पानी ठीक है तो एक के जी विलायक में मतलब एक के जी पानी में सॉल्यूट का जितना मोल होगा उसको तोतला भाई मोललता कहते हैं तो एक के जी विलायक में विलय नहीं ठीक है विलियन नहीं विलायक विलायक मतलब पानी सॉल्वेंट तो एक के जी आप विलायक ले लो यहाँ पर एक के जी विलायक ले लो विलायक का मतलब सॉल्वेंट ठीक है उसमें देखो कि आपने चीनी कितना डाला चीनी मतलब सॉल्यूट कितना डाला जितना जि, जितना डालो होगा ना उसका मोल बस बता दो अगर एक के जी पानी में एक मोल

तोतला भाई तोतला भाई को स्मॉल एम से सूचित करते हैं ठीक है वही फॉर्मूला है मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर माफ सॉल्यूट वही रहेगा बस यहां हो जाएगा मास और यहां हो जाएगा सॉल्वेंट यहां हो जाएगा के जी वही फॉर्मूला है मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू टू वन बाई मास पानी इन के जी अच्छा अगर क्वेश्चन में जिस तरह से वहां एम एल में देता था तो हजार करते थे यहां अगर ग्राम में दिया रहा अगर मान लीजिए ग्राम में दे दिया मास किसका मास सॉल्वेंट का मास तब आप यहां पर ले लीजिएगा एक हज़ार तो फॉर्मूला क्या हो गया मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू वन बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन के जी मेरे साथ बोलो र, र, रफ कॉपी भी बगल में रखना लिखते जाना धर धरा देना एकदम मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू वन बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन के जी मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट सोल्यूट इंटू थाउजेंड बाई मास ग्राम मोलिटी कंप्लीट चलिए आइए अगला ये भी आपको बोर्ड में इसका डेफिनेशन पूछ सकता है अब है मोल फ्रैक्शन फ्रैक्शन बटा बटा फ्रैक्शन जिसको हम लोग एक्स से सूचित करते थे और इसका हिंदी होता था मोल अंश या मोल प्रभाज इसको इस, ये किसको कहते थे भाई ये भी सान ही है ये भी इस दुनिया में आपका कपड़ा धोने के लिए नहीं आया है ये भी इस दुनिया में आया है मीठापन फीकापन को बताने के लिए लेकिन ये थोड़ा अनुपात टाइप का बताता था नहीं क्या था भाई विलियन में उपस्थित किसी एक पदार्थ का मोल विलियन में दो ही पदार्थ तो होता ही एक चीनी और पानी तो विलियन में उपस्थित किसी एक पदार्थ का मोल तथा कुल पदार्थों के मोल के अनुपात को मोल फ्रैक्शन कहते हैं विलियन में उपस्थित

जब आप सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन जोड़िएगा तो टोटल कितना आया था वन अगर आपको सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो सॉल्वेंट को इधर कर दो और अगर सॉल्वेंट का ही निकालना है सॉल्वेंट का ही निकालना है तो सॉल्यूट को इधर कर दो तो माइनस हो जाएगा तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन जो है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन का दो फॉर्मूला आया था अगर सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है ठीक है तो जिसका निकालना है उसका मोल ऊपर नीचे टोटल गधा का निकालना है गधा का मोल ऊपर नीचे टोटल ठीक है सॉल्वेंट का निकालना है सॉल्वेंट का मोल ऊपर नीचे टोटल अच्छा दोनों का मोल फ्रैक्शन जोड़ने के बाद कितना आएगा वन दोनों का मोल फ्रैक्शन जोड़ने के बाद वन अगर सॉल्यूट का निकालोगे तो एक में उसके दोस्त का मोल फ्रैक्शन घटा दीजिए सॉल्यूट का मत घटाइएगा उसके दोस्त को सॉल्वेंट को और सॉल्वेंट का निकालना है तो एक में सॉल्यूट को घटा दीजिए अच्छा मोल फ्रैक्शन का रेंज हम आपको बताए थे वो कहां से कहां आया था जीरो से ज्यादा लेकिन हमेशा वन से कम ना तो कभी जीरो के बराबर होगा ना तो कभी एक के बराबर होगा हमेशा जीरो से ज्यादा हमेशा एक से कम है ना चलिए नॉर्मलिटी नॉर्मलिटी क्या था भाई जिसको एन से सूचित करते थे हिंदी में इसको कहते थे नॉर्मलता 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 इसका भी परिभाषा देखो हम यहीं से ला देते हैं ताकि आपको एक ही टाइप का परिभाषा सब लगे नॉर्मलता क्या था भाई एक लीटर विलियन में उपस्थित विले के मोल नहीं मोल नहीं बस इसको हटा दो ग्राम इक्वी की संख्या को नॉर्मलिटी कहते थे नॉर्मलिटी कहते थे नहीं देखो वही चीज है कितना सा चेंज हुआ एक लीटर विलियन यहां भी लेना है बस सॉल्यूट जो घुला रहे हैं ना उसकी मात्रा को मोल में मत लीजिएगा ग्राम इक्विवेलेंट में ले लीजिएगा ग्राम इक्विवेलेंट में तो एक लीटर विलियन में उपस्थित विले के ग्राम इक्वेलेंट की संख्या को नॉर्मलिटी कहते हैं हम जानबूझ के हम यहां से इसलिए दिखा रहे हैं आपको ताकि एक को याद करो दूसरा दुस, दुस, भी आपको याद हो जाए कोई ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है इस सारे बातों को है इतना बात लेकिन इसको दिमाग में ना एक छोटा पीस में रखना है ताकि दिमाग एकदम हल्का रहे तो एक लीटर विलियन में उपस्थित विलय के ग्राम इक्वेलेंट की संख्या को नॉर्मेलिटी कहते हैं द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बस यहीं पर चेंज होगा द नंबर ऑफ ग्राम इक्वेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन वन लीटर सोल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मलिटी नंडन इसका फॉर्मूला में आप जान रहे हो क्या होता था नंबर ऑफ यहां पर बस ग्राम इक्विवेलेंट होगा बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहां पर था मास ऑफ सॉल्यूट यहां मोलर मास था ना बस यहां इक्विवेलेंट वेट होता था बाकी वो वही होता था मास ऑफ सॉल्यूट वही रहेगा बस यहां पर इक्विवेलेंट वेट हो जाता था नॉर्मलिटी में ठीक है इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मास मास ऑफ सॉल्यूट बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वन बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन बस ये नॉर्मलिटी हो जाएगा नॉर्मलिटी हो जाएगा लेकिन हम आपको नॉर्मलिटी और मोलरिटी के बीच में रिलेशन बताए थे वो आप याद रखिएगा उससे आपको बोर्ड में बहुत क्वेश्चन बनेगा एन इज इक्वल टू एम एक्स इज करिए सारा कंसंट्रेशन टर्म जब दस पढ़ाए थे तो आपको सबके बीच में रिलेशन बताए थे लेकिन ये वाला रिलेशन आप बहुत याद रखना बाबू एन इज इक्वल टू एम एक्स एन इज इक्वल टू एम एक्स एन इज इक्वल टू एम एक्स एन यहां पर है हमारा नॉर्मेलिटी एम है हमारा मुलैरिटी और एक्स है हमारा बैलेंसी फैक्टर लेंसी फैक्टर क्या होता था वो आपको बहुत अच्छे से पता है अभी हम आपको क्वेश्चन सब करवाएंगे तो वहाँ भी हम आपको बता देंगे और आपको अच्छे से पता है कि बैलेंसी फैक्टर होता है कि कोई भी कंपाउंड अगर है ना तो उसमें या तो आगे वाले का चार्ज या तो पीछे वाले का चार्ज ये सब में लग जाएगा लेकिन हम आपको छह अलग अलग केस बताए थे लेकिन वो सब को ना शॉर्ट में एक ही में हम ला दिए हैं देखिएगा सब निकल जाएगा ठीक है तो एन इज इक्वल टू एम एक्स याद करना एन इज इक्वल टू एम एक्स ठीक है एन हमारा नॉर्मलिटी एम मोलिटी और एक्स हमारा है वैलेंसी फैक्टर वैलेंसी फैक्टर है या तो आगे वाले का चार्ज या तो पीछे वाले का चार्ज सॉल्यूशन का पहला पार्ट आप लोगों का हो गया कंप्लीट ठीक है देख रहे हो पूरा सॉल्यूशन का जो पहला पार्ट है मैक्सिमम चीज हम आपको रिविजन कर दिए अब यह सेकंड पार्ट है इसमें भी मस्त मस्त थ्योरी आने वाला है उसके बाद तब ऑब्जेक्टिव करेंगे क्या अभी तक आपका एकदम टनाटन क्लियर है यस सर यस सर यस सर बहुत अच्छा वेरी गुड सर आपसे क्लास करने में कॉन्फिडेंट दो गुना हो जाता है यस वेरी गुड बहुत अच्छा चलो थैंक यू बाबू बहुत प्यारा प्यारा मैसेज आ रहा है चलो अब आगे बढ़ते हैं ठीक है इसके बाद हम लोग का सॉल्यूशन का सेकंड पार्ट शुरू हुआ था जिसका पहला टॉपिक था अनुसंख्य गुण देखो भाई अनुसंख्य गुण ना नंबर पे मरने वाला चीज था अनुसंख्य गुण विलियन का वो गुण था वो ऐसा गुण था जो कितना डाल रहे हो उसको देखता था क्या डाल रहे हो कोई मतलब नहीं है मतलब विलियन का वह गुण जो सॉल्यूट की संख्या पर निर्भर करता है विलय की संख्या पर निर्भर करता है नंबर ऑफ सॉल्यूट पर निर्भर करता है लेकिन नेचर पर डिपेंड नहीं करता है याद है जो कहानी बताए थे हम आपको एक बंदा जो है वो बोलता था हमको सर पांच टी शर्ट दीजिएगा पांच टी शर्ट दीजिएगा किस ब्रांड का लोगे किस ब्रांड का लेना है उससे उसको कोई मतलब नहीं था वो बोल रहा था सर ठेला वाला हमको दे दीजिए लेकिन पांच ठो दीजिएगा तो वो जो है नंबर को देख रहा है दूसरा बंदा बोला था सर एक ही दीजिएगा लेकिन ब्रांडेड तो वो नेचर को देख रहा है नंबर से, से उसको कोई मतलब नहीं एक दे दीजिए आप ज़्यादा खुश हो गए हमसे तो दो दे दीजिए लेकिन हाँ वो क्या बोल रहा था सर ब्रांडेड दीजिएगा मतलब वो नेचर को देख रहा था तो नेचर पर देखने वाला ये गुण नहीं है इन नंबर देखता है नंबर ठीक है तो विलयन का वह गुण जो विले की संख्या पर निर्भर करता है लेकिन विले की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है उसी को कहते थे क्या भाई अनुसंख्य गुण क्लियर विलयन का वह गुण द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन ठीक है विच इज डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ सॉल्यूट बट नॉट अपॉन नेचर ऑफ सॉल्यूट इज कॉल्ड क्वालिटी प्रॉपर्टी विलयन का वह गुण जो सॉल्यूट की संख्या पर निर्भर करता है लेकिन सॉल्यूट के प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है उसी को हम लोग क्या कहते थे भाई अनुसंख्य गुण ठीक है अनुसंख्य गुण चार प्रकार का होता था भरद इसका ऑब्जेक्टिव भरा हुआ रहता है ठीक है कौन कौन चार प्रकार का अनुसंख्य गुण था वास्पदाब का सापेक्ष अवनमन क्वनांक में उन्नयन हिमांक में अवनमन और प्रासरण दाब रिलेटिव लोरिंग इन वेपर प्रेशर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं ये चार अनुसंख्य गुण था वास्पदाब में सापेक्ष अवनमन ठीक है क्वनांक का बढ़ना क्वनांक में उन्नयन हिमांक का घटना ठीक है हिमांक में अम्नवन और पराशरण दाब कोई दिक्कत अच्छा एक एक करके शुरू करते हैं हम आपको बोले थे बाबू कि ये पूरा चीज आप तभी पढ़ पाओगे जब आप भेपर, भेपर प्रेशर में कमी पढ़ोगे ठीक है अब भेपर प्रेशर में कमी तभी जान पाओगे जब आपको भेपर प्रेशर पता हो तो सबसे पहले हम आपको पढ़ाए थे भेपर प्रेशर ठीक है भेपर प्रेशर क्या था भाई कि जैसे कोई आप बर्तन लेते हो ठीक है ये देखना ब्लैक से हिंदी इंग्लिश लिखा हुआ हिंदी लिखा हुआ है लेकिन बहुत छिप गया अच्छा कोई बात नहीं हम बता देंगे अभी ठीक है जैसे कोई बर्तन लिए आप उसमें द्रव भरे जैसे गर्म करोगे उसका वाष्पीकरण होने लगेगा मतलब उसका भाप बनने लगेगा तो द्रव का भाप बनने की घटना को वाष्पीकरण कहते थे वेपराइजेशन लेकिन आप जानते हो कि भेपर भेपर आपस में टकरा के पुनः पानी भी बनने लगेगा उसको कहते थे हम लोग संघनन ठीक है शुरू में भाप बनने की रफ्तार ज़्यादा होगी इसकी रफ्तार कम होगी लेकिन एक समय ऐसा आएगा उस एक समय ऐसा आएगा जिस समय इसका रफ्तार इसका रफ्तार और इसका रफ्तार मतलब ये वाला रफ्तार और ये वाला रफ्तार दोनों क्या हो जाएगा बराबर रेट ऑफ वेपराइजेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन कंडेंसेशन दोनों बराबर हो जाएगा वाष्पीकरण की दर और की दर बराबर हो जाएगा मतलब क्या मान लीजिए यहाँ पर सौ भेपर है ठीक है तो एक सेकंड में अगर पांच एक्स्ट्रा भेपर बना तो वही एक सेकंड में पांच पानी भी बन जाएगा पांच पानी भी बन जाएगा मतलब सौ का सौ वहां पर फिक्स रहेगा पांच एक्स्ट्रा बना एक सेकंड में तो पांच भाप फिर पानी में भी बदल गया वो वो अवस्था जब आ जाएगा ठीक है कौन सा जिस समय वाष्पीकरण की दर और संघनन की दर बराबर हो जाएगी ठीक है जिसको हम लोग कहते हैं साम्यवस्था सुबह शाम को नहीं वो अवस्था वो समय जिस समय वाष्पीकरण की दर और संघनन की दर क्या हो जाएगी बराबर हो जाएगी रेट वेपराइजेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन बराबर हो जाएगा तो साम्य अवस्था पर जिस समय इसका और इसका दोनों का रफ्तार बराबर हो जाएगा तब यहां पर जितना भेपर बचेगा जो अभी सौ भेपर बचा है वो भेपर इस द्रव के सतह पर जितना दबाव लगाता था उसी को हम लोग कहते थे दाब है ना दाब ठीक है साम्यवस्था पर वाष्प के द्वारा द्रव के सतह पर लगाए गए दबाव को वास्पदाब कहते हैं द प्रेशर एक्साइटेड बाई भेपर ऑन द सर्फेस ऑफ लिक्विड एट ए क्लिब्रियम स्टेट इज कॉल्ड प्रेशर कॉल्डर आया शुरू में डिफाइन मत कर दीजिएगा भेपर प्रेशर उस समय भेपर चेंज होता रहता है भेपर को कॉन्स्टेंट होने देना अब देनापर फिक्स तभी होगा जब साम्य अवस्था आ जाएगा इसलिए हम आपको बोले थे साम्य अवस्था पर साम्य अवस्था पर भेपर के द्वारा द्रव के सतह पर लगाए गए दबाव को वास्पदाप कहते हैं कोई दिक्कत साम्य अवस्था पर वेपर के द्वारा द्रव के सतह पर लगाए गए दबाव को हम लोग क्या थे? कहते थे दाब कहते थे द प्रेशर एक्साइटेड बाय वेपर ऑन द सर्फेस ऑफ लिक्विड एट ग्लिबरिम स्टेट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर तो सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना था वेपर प्रेशर हम लोगों ने पढ़ लिया मेरा प्रेशर नहीं आपका प्रेशर नहीं भेपर का प्रेशर मतलब भाप दबाव लगाएगा लेकिन किस समय साम्यवस्था पर साम्यवस्था पर वाष्प के द्वारा द्रव के सतह पर वो जो द्रव है उसके सतह पर लगाए गए दबाव को हम लोग क्या थे? कहते थे वाष्प दाब कहते थे ये हो गया उसके बाद फिर हम लोग पढ़ते थे भेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट और फिर सॉल्यूशन ठीक है अगर यहाँ पर प्योर सॉल्वेंट पानी ही पानी है तो सतह पर क्या होगा पानी ही पानी होगा अब पानी भोलाटाइल होता है भोलाटाइल मतलब जिसका वास्प बन सके तो जब इसको तुम गर्म करोगे तो एक दो तीन चार पांच छः सात आठ सात म सात भेपर बनेगा सात भेपर ठीक है लेकिन अगर आपने उसमें चीनी डाल दिया तो चीनी तो हर जगह फैल जाएगा तो सतह पर क्या होगा यह चीनी होगा ठीक है फिर पानी होगा चीनी होगा फिर पानी होगा चीनी होगा फिर पानी हो अच्छा चीनी तो हमारा नन भोला टाइल है नन भोला टाइल का मतलब हो गया अवासशील अवास्पशील का मतलब क्या हुआ भाई इसका तो भेपर बनेगा नहीं ठीक है तो सतह पर तुम देखो सतह पर यहां पर चीनी आ चुका है चीनी आ चुका है तो चीनी तो एक उड़ेगा नहीं दूसरा वो सतह सतह पर क्या कर लिया है सतह पर क्या कर लिया है जगह छेक लिया है ठीक तो अब इसमें क्या होगा पानी उड़ेगा पानी उड़ेगा पानी उड़ेगा ठीक है लेकिन पानी के बगल में जो चीनी है क्योंकि आप ये सॉल्यूशन ले चुके हो सॉल्यूशन बना चुके हो विलियन बना चुके उसमें इसमें सॉल्यूट आ चुका है ठीक है तो चीनी आ चुका है तो चीनी का तो भाप बनेगा नहीं और ऊपर से सतह पर क्या करेगा जगह छेक लेगा और सतह पर जब जगह छेक लेगा तो उतना पानी नहीं उड़ पाएगा जितना इसमें उड़ रहा था क्योंकि वाष्पीकरण हम बचपन से जानते हैं कि सतही घटना है सतह जितना तुम बड़ा दोगे उतना ज्यादा वाष्पीकरण होगा ठीक है हम लोगों का कपड़ा भीगा हुआ रहता है तो आप कैसे उसको सब फैला देते हो ताकि उसका सतह जो है ना भाप बनने का भाप बनने का जो भाप बनने का जो सतह होता है कुछ वहां से भी भाप बनता है कुछ यहां से भी बनता है वहां से भी भाप बनता है मतलब भाप बनने का जो सतह है वो ज्यादा हो जाता है तो जल्दी से सारा का सारा पानी वाष्पित हो जाता है और आपका आपका कपड़ा सूख जाता है लेकिन अगर कपड़ा को मान लीजिए आप समेट के रख दीजिए तो समेट के रखने से क्या होगा भाई भाप बनने का जो सतह है ना वो कम मिला तो फिर क्या होगा एक 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 पानी भाप में बन रहा है तो दूसरा उसके पीछे पीछे नंबर लगाएगा निकलो ना रे निकलो ना देख के आ रहा है चलो निकलो वो भी निकल तो ऐसे क्या होगा ज्यादा ज्यादा टाइम में आपका शर्ट का सारा का सारा पानी वाष्पित होगा तो कपड़ा आपका लेट में सूखेगा लेकिन अगर उसको फैला दिए तो कुछ उधर से भागा कुछ उधर से भागा वही बात है कि भाई क्लासरूम में अगर दस ठो गेट कर दें कोई इधर से भागा दस तुरंत साफ तुरंत दूसरा लोग आ जाएगा नहीं ठीक है तो और लेकिन अगर मान लीजिए एक ही गेट रखे तब धीरे धीरे जाएगा तो वही है जितना ज्यादा सतह रहेगा उतना ज्यादा वाष्पीकरण होगा तो ये चीनी यहां पर आ भी गया सतह भी छेक लिया एक तो उड़ा भी नहीं और दूसरा उड़ने को भी नहीं दिया तो ये सब चीज को देखते हुए यहां पर वाष्पशील अनु वाष्पशील अनु पूरा का पूरा पानी ही था सतह पर पानी ही था तो वाष्पशील अणु ज्यादा था और यहां पर वाष्पशील अनु हम क्या देख रहे हैं सॉरी सॉरी यहां पर यहां पर वाष्पशील अणु अगर ज़्यादा है तो जब तुम इसको गर्म करोगे तो इसका भेपर भी क्या होगा ज़्यादा बनेगा लेकिन यहां पर पानी और चीनी दोनों आ गया तो चीनी तो उड़ेगा नहीं शुगर तो उड़ेगा नहीं सिर्फ और सिर्फ पानी उड़ेगा तो उसकी तुलना में यहां पर आप देखिए पानी क्या है कम क्योंकि चीनी जगह छेक रहा है तो यहां पर आपका भाप भी बनेगा कम तो तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनज़र रखते हुए ना जी हम लोग इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि साफ साफ बोल देंगे देखो भाई इसमें पानी ही पानी है तो इसमें भाप ज़्यादा बनेगा अभाव हाँ ज़्यादा बनेगा तो दबाव भी तो ज़्यादा लगेगा ठीक है तो विलियन में सॉरी प्योर सॉल्वेंट में जो वास्फदाब होगा वो ज़्यादा होगा और जो प्योर सॉल्वेंट जो है उसका जो प्रेशर है उसको पी से सूचित कीजिएगा और अगर प्योर रहा कुछ मिलावा नहीं रहा तो ये ब्रांडेड ठप्पा दे दीजिएगा किसका नॉट का तो जो प्योर सॉल्वेंट का जो भेपर प्रेशर है उसको पीनोट से सूचित किया जाता है पीनोट से प्योर सॉल्वेंट का जो भेपर प्रेशर है उसको पीनोट से सूचित किया जाता है और सॉल्यूशन के भेपर प्रेशर को पीएस से तो बोलो इसके साथ पर सिर्फ पानी ही पानी है, पानी है. जैसे गर्म करोगे बहुत ज्यादा भेपर बनेगा तो दबाव भी ज्यादा लगेगा इसमें क्या हुआ चीनी जगह छेक लिया एक तो उड़ा नहीं दूसरा उड़ने भी नहीं दिया जैसे यहां पर भेपर क्या हो जाएगा इसकी तुलना में कम तो इसका प्रेशर क्या हो जाएगा कम ठीक है तो विलियन का वास्फदाब जो होता है वो कम होता है विलियन का वास्फदाब कम होता है और जो प्योर सॉल्वेंट है उसका भेपर प्रेशर क्या होता है ज्यादा होता है तो चलिए अब आप लोग लिख के बताइए कि सॉल्यूशन और प्योर सॉल्वेंट में किसका भेपर प्रेशर ज्यादा होगा किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा हाँ ट्वेल्थ में जो ट्वेल्थ का जो न्यू सेशन है उसका फी आज तक कम किए हुए हैं ठीक है 26 जनवरी के मौके पर ही हम दिए थे तो आज फिर वापस नॉर्मल फी हो जाएगा लेकिन आज तक तो है सॉल्वेंट का भेपर प्रेशर ज्यादा होगा वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड यस 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 बहुत अच्छा वेरी गुड सॉल्वेंट का ठीक आ जाइए अब बढ़े आगे हम लोग देखिए सॉल्वेंट Sol का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा मतलब पिनोट ज्यादा होगा पी से ठीक तो जब हम लोग नन भोलाटाइल सॉल्यूट को इसमें डालते हैं तो इसका वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो गया इसी घटना को कहते थे लोवरिंग इन वेपर प्रेशर वाष्प दाब में क्या भाई कमी वाष्प दाब में अवनमन तो वाष्प दाब का अवनमन किसको कहते थे कि जब हम लोग नन भोलाटाइल सॉल्यूट चीनी को किसी पानी में डालते थे तो विलियन ठीक है विलियन के अनु के बीच में आकर्षण बल बढ़ जाता था क्योंकि एक एक सोल्यूट ना एक सॉलिड और दूसरा लिक्विड आ जाता था तो इस वजह से उतना उड़ नहीं पाता था एक तो सतह सतह छेक लिया वो और दूसरी बात है कि इसमें सिर्फ लिक्विड और लिक्विड था और लिक्विड और लिक्विड के बीच में जो अट्रैक्शन होता है वो कम होता है लेकिन हाँ इसमें जैसे चीनी आपने डाला तो चीनी हमारा सॉलिड और लिक्विड हो गया तो सॉलिड और लिक्विड का अट्रैक्शन भी अब क्या हो गया ज्यादा हो गया तो अब जल्दी टूटेगा नहीं तो ज्यादा लिक्विड उड़ेगा नहीं तो हर गवाह जो है ना इसके खिलाफ है ठीक है तो जैसे ही हम लोग चीनी डालेंगे तो इसके अनु के बीच क्या होगा आकर्षण बल ज्यादा हो जाएगा और आकर्षण बल जब ज्यादा हो जाएगा तो जल्दी जल्दी टूटेगा नहीं इसका जो वास्प दाब है वो क्या हो जाएगा कम वास्प कम बनेगा और वाष्प कम बनेगा तो इसका भेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा कम तो जब नन वोलाटाइल सॉल्यूट को प्योर सॉल्वेंट में डालेंगे तो विलियन के अनु के बीच का आकर्षण बल बढ़ जाएगा वेपर प्रेशर घट जाएगा इसी घटना को कहते थे वाष्प वाष्प दाब दाब का का अवनमन अवनमन क्योंकि वेपर प्रेशर घट गया ना इसी को कहते थे का अवनमन. अच्छा कैसे निकालोगे मान लीजिए ये सात है घट के पांच हो गया वाष्प दाब में अगर कमी आपसे कोई पूछ लेगा तो कैसे निकालिएगा इसमें इसको घटा दो नहीं? ये ये आठ है ये पांच है आपको अगर पूछेगा कि कितना घटा कैसे निकालोगे तो इसमें इसको घटा दो है ना मतलब पीनोट में पीएस को अगर घटा दीजिएगा

एल भीपी तो आर एल का फॉर्मूला क्या हो गया था दाब का अवनमन

ठीक है वास्ट दाब का ज्यादा होगा विलियन का कम हो जाएगा ये जो कम हुआ इसी घटना को वास्तदाब में कमी बोला गया जिसको पीनोट माइनस पीएस से निकालिएगा अगर उसको पीनेट से तुलना कर दिए तो आर एल पी निकल जाएगा और रोल्ट ने कहा कि यह सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के बराबर होगा ठीक चलते हैं आगे रॉल्ट नियम दो था जो कि परसों हम आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन कर चुके हैं अगर आप लोगों में से कोई ऐसे बंदे हैं जो आज कल जुड़े हैं तो कल व्हाट हैपेंस कराए थे उसके पहले वाले लेक्चर में देखना ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बाबू इस बार घनघोर इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो ये हम आपको करा चुके हैं तो फिर से अभी करा दें क्योंकि परसों ही करें आप लोग का टाइम बचेगा तो फिर से करा दें या फिर आप वहां तो किए हुए हो और अगर कोई न्यू होंगे ना तो वहां पर जाके कर लेना उसमें आंसर वांसर भी दिया हुआ है उसको तैयार कर लेना बोर्ड के लिए पांच मार्क्स आ भी सकता है तो क्या इसको छोड़ दें क्योंकि परसों ही किए हो आप लोग हाँ छोड़ दीजिए सर छोड़ दीजिए चलो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड यस यस बहुत अच्छा क्योंकि जस्ट परसों ही किए तो टाइम आप लोगों का लॉस होगा फालतू का चलिए ये ये देखो यही पूरा का पूरा था ठीक है और क्या था भाई दो नियम था वाष्पशील विलय के लिए और अवाष्पशील के लिए वाष्पशील विलय के लिए क्या नियम क्या था प्रत्येक पदार्थ का पार्शियल प्रेशर उसी पदार्थ के मोल अंश के समानुपाती होता है तो अगर ए पदार्थ लीजिएगा तो ए का आंशिक दाब मतलब ए का अपना दाब A के ही मोल अंश के समानुपाती होता था बी का लीजिएगा तो बी का आंशिक दाब बी के ही मोल अंश के समानुपाती होता था गधा का लीजिएगा तो गधा का आंशिक दाब गधा के ही मोल अंश के समानुपाती होगा और दोनों को जोड़िएगा तो टोटल प्रेशर आ जाता था फिर अवाष्पशील विलेय के लिए भी था ठीक है अब आइए अवाष्पशील हाँ, विलेय के लिए अब आइए आइडियल सॉल्यूशन ये शॉर्ट में पूछा जा सकता है जो मम्मी पापा का कहना माने आदर्श बच्चा आदर्श स्टूडेंट अच्छा जो रोल्ट नियम को माने उसको कहते थे आदर्श आदर्शन है ना वह विलियन जो सभी ताप पर और सभी पर नियम का पालन करता है यही था हमारा रोल्ट नियम यही था रोल्ट नियम है ना यही रोल्ट नियम था इसको समानुपाती को बराबर में करने के लिए एक आप स्थिरांक देते थे कॉन्स्टेंट और कॉन्स्टेंट आपको हमेशा याद रखेगा देना है जिस पदार्थ के बारे में तुम बात कर रहे हो उसी पदार्थ का वास्दाब शुद्ध अवस्था में यही होता था कॉन्स्टेंट पी ए वैसा ही रहेगा और एक्स ए वही रहेगा यही था ना रोल्ट नियम ठीक है तो नियम हमेशा कहते थे कि पी ए जो होगा इस दोनों के गुणनफल के बराबर होगा मान लीजिए कोई विलियन है हाँ। उसमें दो पदार्थ एक ए और एक बी आपने ए के लिए पी ए निकाला आया पांच आप पी नोट ए निकाले ये आया पांच ठीक है या फिर मान लीजिए पांच पांच बटा दो और ये निकाले आप आया हाफ ठीक है नहीं नहीं नहीं, 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 नहीं इसको कर दो टेन रे टेन और ये आया हाफ तो अब तुम देखो पीए ए पांच आया था और ये आया दस मान लेते हैं और ये आया हाफ अब इसको तुम कटा दो कितना आया पांच पांच बराबर पांच तो रॉल्ट ने क्या कहा था कि ये इस दोनों के गुणनफल के बराबर होगा रॉल्ट ने ऐसा कहा कि ये इस दोनों के गुणनफल के बराबर होगा अगर कोई विलियन ऐसा ही दिखा रहा है मतलब ये इस दोनों के गुणनफल के बराबर अगर कर रहा है तब तो उसको कहते थे आदर्श विलियन और अगर मान लीजिए कि ये आ गया छः इस दोनों को गुना करने के बाद आ गया पांच तो ये दोनों तो अनइक्वल हो गया लेकिन रॉल्ट ने कहा था कि इक्वल होता है और अगर अनइक्वल हो गया तब उसको कहते थे अनादर विलियन तो वह विलियन विलियन जो सभी ताप गर्म ठंडा हर जगह पर सभी सांद्रण गाढ़ा पतला सभी कंसंट्रेशन पर सभी ताप पर रोल्ट नियम का पालन करता है उसी को हम लोग कहते थे क्या भाई आदर्श विलियन ठीक है द सॉल्यूशन विच फॉलो रॉल्ट लॉ एट ऑल कंसंट्रेशन एट एट ऑल टेम्परेचर इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन ठीक है ये आइडियल सॉल्यूशन का एक्जाम्पल था बेंजिन प्लस टॉलवीन क्लोरोबेंजिन प्लस ब्रोमोबेंजिन हेप्टेन और ऑक्टेन अच्छा जो उसके बाद नॉन आइडियल सोल्यूशन किसको कहते थे नन आइडियल सॉल्यूशन में हम लोग कहते थे जो रॉल्ट नियम का पालन नहीं करे जो रोल्ट नियम का पालन नहीं करे किसी भी टेम्परेचर पर किसी भी कंसंट्रेशन पर अगर रॉल्ट नियम का पालन नहीं करे तब उसको कहते थे हम लोग नन आइडियल सॉल्यूशन अच्छा नन आइडियल सॉल्यूशन दो टाइप का होता था एक नन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन और एक नन आइडियल सॉल्यूशन विथ निगेटिव डेविएशन क्यों क्योंकि जब नन आइडियल सॉल्यूशन का हम आपको डेफिनेशन बता रहे थे ठीक है नहीं इंपॉर्टेंट पॉइंट हम आपको बता रहे थे तो उस समय हम आपको सिखाए थे कि आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है अगर दो लीटर आप सॉल्यूट लोगे और आठ लीटर अगर आप सॉल्वेंट लोगे तो सॉल्यूशन आपका पक्का पक्की कितना आएगा भाई सॉल्यूशन आपका पक्का पक्की दस लीटर आएगा क्या बोले सॉल्यूट अगर दो लीटर लेते हो सॉल्वेंट अगर आठ लीटर लेते हो तो सॉल्यूशन पक्का पक्की दस लीटर आएगा लेकिन हमेशा ऐसा आएगा ऐसा जरूरी नहीं है ये सिर्फ और सिर्फ आइडियल सॉल्यूशन में आता था कि आइडियल सॉल्यूशन में अगर तुम आयतन में चेंज निकालोगे तो कोई चेंज नहीं होगा डेल्टा भी ठीक है आयतन में अगर चेंज निकालना चाहते हो तो कोई चेंज नहीं आएगा अच्छा डेल्टा का मतलब क्या होता था चेंज भी का मतलब हो गया वॉल्यूम उसके लिए हमेशा हमको फाइनल में इनिशियल घटाना पड़ता था तो फाइनल हो गया दस इनिशियल ये दोनों जीरो आदर्श विलियन का बहुत बड़ा गुण था कि इसका इसमें वॉल्यूम वॉल्यूम चेंज नहीं होता था हीट वुट भी चेंज नहीं होता था ऐसा नहीं कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाओगे तो सॉल्यूशन खोलने लगेगा कुछ नहीं जितना सॉल्यूट सॉल्वेंट का ताप है उतना ही सॉल्यूशन का ताप होता था तो आदर्श विलियन में डेल्टा भी जीरो होता था लेकिन अनादर्श विलियन में नहीं होगा जीरो या तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा या तो वॉल्यूम घट जाएगा हो सकता है दो और आठ को मिलाओगे तो ग्यारह लीटर होने लगता था क्योंकि फोर्स कम हो जाता था तो फैल जाता था तो अगर तुम ग्यारह लीटर निकालोगे तो फाइनल हो गया ग्यारह माइनस दस प्लस वन आने लगेगा ठीक है तो अनादर्श विलियन में डेल्टा भी आपका प्लस में भी जा सकता है और कभी कभी फोर्स जब ज्यादा होता था तो सिकुड़ देता था तो नौ लीटर भी हो सकता है नौ लीटर अगर हो गया ठीक है तो माइनस में जाने लगेगा तो पहलेनादर्सियन के बराबर नहीं होगा या तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा या तो वॉल्यूम घट जाएगा अगर वॉल्यूम बढ़ गया तो डेल्टा भी प्लस आ जाता था और अगर वॉल्यूम घट गया फाइनल वॉल्यूम घट गया तो डेल्टा भी माइनस आने लगता था अगर प्लस आया अच्छा अनादर विलियन में क्या होता था सॉल्यून सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अगर आप मिलाते हो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाते हो तो सॉल्यूशन या तो गर्म हो जाता था या तो ठंडा अगर गर्म हो गया ठीक है तो उसको कहते थे धनात्मक वाला धनात्मक विचलित और अगर ठंडा हो गया मतलब जितना सॉल्यूट सॉल्वेंट का ताप था अगर उससे कम ताप हो गया किसका विलियन का तब उसको कहते थे ऋणात्मक मतलब क्या दो, दो और आठ मिलाए ग्यारह लीटर आने लगा तो जितना होना चाहिए उससे ज्यादा हो गया ना तो इसको कहते थे धनात्मक विचलित अनादर्श विलियन और अगर कम हो गया तो उसको कहते थे ऋणात्मक विचलित अनादर्श तो अनादर्सियन आइडियल सोल्यूशन तो पहले बोलोगे किसको वो क्लियर हो गया ये दो टाइप का होता था नॉन आइडियल सोल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन नन आइडियल सोल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन पॉजिटिव डेविएशन में बोलो क्या होगा वॉल्यूम जो है दोनों को जब मिलाओगे तो सोल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ जाता था कि घट जाता था बढ़ जाता था तो इसमें डेल्टा भी क्या हो जाता था जीरो से बड़ा प्लस वन प्लस टू अच्छा अच्छा इसमें जैसे कि चूना पत्थर और पानी को मिला दिए चूना पत्थर और पानी चूना पत्थर नॉर्मल पानी नॉर्मल लेकिन जैसे तुम दोनों को मिलाओगे सॉल्यूशन खोलने लगता था सॉल्यूशन का उसमा बढ़ जाता था जिसमें डेल्टा एच भी जीरो से क्या होगा बढ़ा हो बढ़ा होगा पॉजिटिव इसमें क्या होगा था होता था डेल्टा भी, भी जीरो से छोटा और डेल्टा एच भी जीरो से छोटा होता था तो नन आइडियल सॉल्यूशन दो टाइप का होगा एक धनात्मक विचलित विचलन जिसमें जितना होना चाहिए उससे ज्यादा हो जाएगा एक ऋणात्मक विचलित जिसमें जितना होना चाहिए उससे कम हो जाएगा ठीक है उसके बाद दोनों का एग्जाम्पल दिए थे ये एग्जाम्पल थोड़ा सा ध्यान रखना बाबू ठीक है सबसे पहले इथेनॉल प्लस एसीटोन बेंजीन प्लस एसीटोन वाटर प्लस इथेनॉल वाटर प्लस मिथेनॉल याद हुआ इथेनॉल प्लस एसीटोन ठीक है इथेनॉल प्लस एसीटोन बेंजीन प्लस एसीटोन बेंजीन प्लस दोनों में देखो एसिटॉन है सी Ac, याद रख लेनासी एसिटॉन सी क्लोरोफॉर्म क्लोरोफॉर्म एसिटॉन क्लोरोफॉर्म बेंजीन वाटर एसियल वाटर एनसियल ये सब सब आपका ऋणात्मक विचलित विलयन था यह धनात्मक विचलित विलयन था ठीक है चलिए अब बॉइलिंग पॉइंट क्या है ठीक है ये हम लोग पढ़ चुके थे मतलब परसों तरसों मैं आपको रिवीजन करा दिए हैं वह ताप जिस ताप पर कोई भी द्रव गैस में चला जाए गैस में चला जाए का मतलब क्या हुआ गैस का, गैस हमारे ऊपर कितना दबाव लगाता है तो वहां पर पढ़ चुके हैं आप, आप लोग हमको बताना कि फिर से बता दें या फिर जो है आप लोग तो परसों ही पढ़े हो एकदम पूरा तो आपका टाइम बच जाएगा जैसे तो देखो ये द्रव है तो वो ताप जिस ताप पर ये द्रव किस में चला जाए गैस में चला जाए है ना वह ताप जिस ताप पर यह द्रव गैस बन जाता है उसी को हम लोग उबलनांग कहते हैं उड़नांग कहते हैं क्वनांग कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं तो गैस में परिवर्तित हो गया कैसे पता चलेगा कोई सबूत तो होना चाहिए ना तो भाई ये हम लोगों के ऊपर ये जो गैस है ना ये हम लोगों के ऊपर वन एटीएम का दबाव लगाता है यह गैस जो है ना वो वन एटीएम का दबाव लगाता है तो वह ताप जिस ताप पर जब इस द्रव को तुम गर्म करोगे तब यह जो भेपर बनेगा

आप लोग में से अगर कोई न्यू है बाबू तो परसों वाला क्लास जो है वो एकदम कर ही लेना क्योंकि उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग सब हम डाले हुए हैं जिसका पूछे जाने का चांस बहुत ज़्यादा है उसमें हम आपको क्वनांग का उन्नयन फिर हिमांक और हिमांक में अवनवन यहाँ तक हम कर चुके थे ठीक है तो क्या हम इसको मतलब जो है अभी रहने दें क्योंकि अब परसों ही पढ़े हुए आप लोग क्या इसको भी छोड़ दें यस सर यस सर चलो बहुत अच्छा वेरी गुड वेरी गुड हाँ क्योंकि जस्ट मतलब अभी परसों तरसों ही पढ़ा है ठीक है तो आपका टाइम बचेगा हाँ बाबू आप लोग में से कोई अगर न्यू हो ना तो वो परसों वाला क्लास कर लेना ठीक है और अभी आ रहे हैं ऑब्जेक्टिव पे आएंगे धमाल मचेगा अभी ऑब्जेक्टिव में ठीक है कुछ एक्स्ट्रा चीज हम आपको इसमें सिखाए थे कि के भी जो के बी जो था आप देखो Uh, क्वनांक में उन्नयन को सूचित करते थे डेल्टा टी बी से इसका फॉर्मूला होता था बी टी बी माइनस टी नॉट बी ये विलियन का क्वनांक होता था और ये पानी का क्वनांग होता था एक और फॉर्मूला था डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इन टू एम ये था क्वनांक में उन्नयन क्वनांक में उन्नयन तो ये के बी जो था ये स्थिरांक था कॉन्स्टेंट था इसका एक फार्मूला तो यही दिख रहा है आपको एक और फार्मूला हम आपको बताए थे आर इंटू टी नोट बी का होल स्क्वायर बाय थाउजेंड इंटू एल वी के एफ का एक फॉर्मूला अच्छा उसी तरह से डेल्टा टी एफ का क्या था डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू टी नॉट एफ माइनस टी एफ इसमें नॉट बाद में होता था और इसमें नॉट क्या होता था फर्स्ट नॉट फर्स्ट नॉट फर्स्ट इसमें नॉट फर्स्ट होता था डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू होता था के एफ इन टू एम दूसरा वाला फॉर्मूला तो के एफ का एक फॉर्मूला तो यहां भी हुआ दूसरा फॉर्मूला था आर इन टी नोट एफ का होल स्क्वायर बाय एल एल एफ ये स्क्वायर होगा ठीक है ऐसे थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट उतना ज्यादा नहीं लेकिन हम आपको बताए थे हल्का सा कर दिया अब आइए मेन ऑस्मोसिस परासरण देख रहे हो मतलब दस से पंद्रह मिनट में हमको लगता है कि लगभग लगभग आपका पूरा रिविजन हो जाएगा उसके बाद ऑब्जेक्टिव पे भी चले आएंगे परासरण क्या था देखो एक बर्तन ले लो बीच में सेमी परमिबल मेम्ब्रेन लगा दो सेमी परमिबल मेम्ब्रेन सेमी परमिबल मेम्ब्रेन क्या था भाई अर्ध परामग्ञ झिल्ली ये एक ऐसा जाली था जिससे अगर पास होगा तो सिर्फ और सिर्फ पास कौन होता था सॉल्वेंट सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट पास हो सकता है तो एक तरफ हम लोग लेते थे पानी और एक तरफ लेते थे सॉल्यूशन याद आ रहा है अच्छा पानी बोले तो सॉल्वेंट ठीक है, सॉल्यूशन तो हो गया आ या नहीं तो अगर मान लो दोनों साइड सॉल्यूशन ही लेना है तब इधर ले लीजिएगा आप लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन मतलब पतला विलियन इधर लेंगे हम लोग क्या भाई पतला विलियन और इधर क्या हो जाएगा गाढ़ा गाढ़ा ऐसे होगा ना रे गाढ़ा विलियन मतलब हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ठीक है तो अगर आप पानी और विलियन या नहीं तो फिर पतला और गाढ़ा सॉल्यूशन को इस अर्ध की झिल्ली से पास करते थे तो हम क्या देखते थे कि पानी का अणु जो है वो इधर से इधर जाने लगता था इसी घटना को कहते थे परासरण। नहीं जब हम लोग विलायक तथा विलियन या नहीं तो फिर निम्न सांद्रित विलियन तथा उच्च सांद्रित विलियन को हम लोग अर्धपराम की झिल्ली से जब हम अलग करते थे तो हम पाते थे कि पानी इधर से इधर बहना शुरू हो जाता था क्योंकि इधर गाढ़ा है तो इसका पानी तो चीनी के साथ एकदम लिपटा हुआ है तो वो तो आएगा नहीं इधर वाला पानी इधर से इधर जाने लगता था इसी घटना को हम लोग क्या करते थे परासरण ठीक है अगर आप इधर आप दबा इधर, इधर इधर पानी बहने लगा तो ये लेयर क्या होने लगेगा भाई ऊपर जाने लगेगा मान लीजिए यहां पर एक तो तो हम पिस्टन पिस्टन रख दिए मतलब दबाने वाला ठीक है इधर तो इधर से इधर पानी घुसने लगा घुसने लगा घुसने लगा यही बहाव को कहा, था, कहा जाता था परासरण ठीक है अगर आप इधर से इधर बहने लगा तो आप क्या देखोगे कि यह वाला जो पिस्टन है ऊपर की तरफ जाने लगा क्यों भाई क्यों जाने लगा क्योंकि पानी जब इधर घुसेगा तो इसका आयतन तो बढ़ेगा ना भाई ये ऊपर जाने लगेगा ठीक तो आपको इतना प्रेशर लगाना है ज्यादा मत ऐसा नहीं कि इस पर चढ़िए जाइएगा ठीक है तो धधरा के ये नीचे चलाएगा उतना नहीं बस आपको इतना प्रेशर लगाना है कि ये परासरण रुक जाए ये जो सॉल्वेंट का इधर से इधर जाने वाली जो घटना है बस वो रुक जाए तो उस दबाव को कहते थे हम लोग परासरण दबाव है ना उसको क्या कहते थे परासरण दबाव तो जिसको पाई से सूचित करते थे परासरण दबाव किसको कहते थे वह न्यूनतम बाहरी दबाव जिसको विलियन या फिर उच्च सांद्रित विलियन के तरफ लगाने पर इधर से इधर जाने की घटना बंद हो जाती थी परासरण जाने की घटना बंद हो जाती थी उसी को हम लोग क्या कहते थे परासरण दाब तो परासरण दाब वो दाब है जिसको तुम लगा दोगे तो पानी ना तो इधर इधर से इधर जाएगा और ना ही इधर से इधर आएगा है ना परासरण दाब उसको कहते थे जिसको हम लोग पाए से सूचित करते थे याद आ रहा है आपको ठीक है और उसके बाद फिर हम आपको बताए थे कि पाए जो है पाए जो है आपका वो जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो तीन रो लॉ चार्ल्स लॉ और एब्रो लॉ से ठीक है पहला था कि वॉल्यूम जो होगा ठीक है अच्छा देखो तो अब आया कहां तक, कहां से रुका था? तथा नहीं तो फिर निम्न तथा। फिर क्या होने, होने लगे। तो इसका आयतन तो बढ़ेगा ना भाई जाने लगेगा ठीक पर इधर से इधर जाने की घटना बंद हो जाती थी पर घटना बंद हो जाती परासरण लॉ लॉ चार्ल्स और से ठीक है पहला था कि वॉल्यूम जो होगा ठीक है ये मतलब नेटवर्क डिस्टर्ब कर दिया हम लोगों को नहीं अभी ठीक है ना अभी सही है अभी सही है अच्छा अच्छा चलो ठीक है थोड़ा फिर से बता दें अच्छा कोई बात नहीं यही चीज़ हम यहाँ पर बता रहे थे एक्चुअली हम ये समझा भी दिए थे ठीक <laughs> है कोई बात नहीं चलो ठीक है तो एवगाड्रो ने क्या कहा था कि वॉल्यूम जो होगा पाई का उल्टा होगा चार्ल्स ने कहा था कि वॉल्यूम जो होगा वो टेम ताप के समानुपाती होगा अब वॉल्यूम जो है वो एन के समानुपाती होगा अच्छा कोई बात नहीं थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया पाँच मिनट कोई टेंशन नहीं चलो वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल के समानुपाती होगा है ना इस तीनों इसको मानते थे समीकरण नंबर वन इसको समीकरण नंबर टू और इसको समीकरण नंबर थ्री नहीं अच्छा इस तीनों को मिलाते थे तो भी हो गया पाई का उल्टा भी हो गया T के समानुपाती और भी होता था N के समानुपाती पाई को इधर कर देते थे तो पाई भी समानुपाती हो जाता था टी एन के इस समानुपाती को बराबर में लाने के लिए एक कांस्टेंट दिया जाता था R। ठीक है N को आगे कर दो तो बन जाता था पाई भी बराबर NRT है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था पाई भी बराबर एन पाई भी बराबर एन पाई भी बराबर एन अभी तो नहीं रुका है चलो पाई भी बराबर एन अब सही है ना हाँ, पाई भी बराबर एनआरटी हाँ अब ठीक है अब ठीक है अब ठीक है चलो वेरी गुड पाई भी बराबर एनआर टी है ना ये ये परासरण दाब का ना बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था पाई वी बराबर एनआरटी अच्छा अगर भी को तुम नीचे कर दोगे भी को अगर नीचे कर दोगे तो एन बाई भी हो जाएगा एन बाई भी एन बाई वी को मोलारिटी कहते थे नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो पाई अब भी को अगर नीचे कर दिए तो एन बाई भी हो जाएगा आर टी ठीक है तो अगर आप भी को नीचे कर दिए तो एन बाई भी को हम लोग क्या कह देंगे मोलारिटी हो जाएगा इज इक्वल टू एम आर टी बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू याद रखना इज इक्वल टू एम आर टी इक्वल टू एम आर टी पाई इज इक्वल टू एम आर टी ठीक अच्छा मोलरिटी यहाँ पर क्या है भाई सांद्रण है तो उसको सी भी कह सकते हो ठीक तो परासरण दाब क्या था वो दबाव जिसको तुम अगर लगा दोगे ठीक है तो ये पिस्टन रुक जाएगा मतलब पानी ना तो इधर से इधर जा पाएगा ना तो इधर से इधर आ पाएगा इसको सूचित किससे करते थे हम लोग पाए से और पाई का तीन बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला याद रखिएगा पाई भी बराबर एन आर टी पाई इज इक्वल टू एम आर टी या फिर पाई इज इक्वल टू सी आर टी ठीक है अच्छा एक बार बताओ अगर तुम परासरण दबाव लगा दोगे ठीक है तो इधर से इधर पानी नहीं जा पाएगा ना तो इधर से इधर जा पाएगा ठीक लेकिन अगर तुम परासरण दाब से भी ज्यादा अगर दबाव लगा दिया तब तो अगर इससे भी ज्यादा अगर दबाव लगा दोगे तब तो पिस्टन नीचे आने लगेगा तब फिर क्या होगा इधर का ही पानी निचोड़ा निचोड़ा के इधर से इधर आने लगेगा वही हम अभी बताना शुरू कर चुके थे ठीक है यहां तक हम पहुंच चुके थे ठीक है तो अगर परासरण दाब से भी ज़्यादा दबाव लगा दोगे तब पिस्टन इधर आने लगेगा और जाना चाहिए था इधर से इधर 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 से से प्राकृतिक घटना था लेकिन तुम जो दबाव ज्यादा लगा दिया ना तो उधर का ही पानी निचोड़ा निचोड़ा के इधर आने लगा इस घटना को कहते हैं हम लोग विलोम परासरण परासरण का उल्टा विलोम परासरण ठीक है तो विलोम परासरण कब होगा जब इधर से जो तुम प्रेशर लगाओगे इधर से जो प्रेशर लगाओगे ये प्रेशर ज्यादा होना चाहिए किससे परासरण दाब से क्योंकि परासरण दाब लगाओगे ना तो बस रुक जाएगा इधर वाला पानी इधर से इधर नहीं जा पाएगा और इधर से भी इधर नहीं पाएगा लेकिन अगर तुम दबाव जो है पाई से अगर ज्यादा तुम लगा दोगे ना पाई से अगर ज्यादा लगा दोगे तब ये पिस्टन नीचे जाने लगेगा और नीचे जाने लगेगा तो इधर का ही पानी जो गंदा पानी था उसमें गंदगी तो इधर से इधर नहीं पार पार हो पाएगा क्योंकि बीच में तुमने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगाया है अर्थ परामग्ञ झिल्ली लगाया है और अर्ध प्रमाग झिल्ली एक ऐसा झिल्ली है जो सिर्फ और सिर्फ पानी को ही पास होने देता है तो देखो इधर हम ल, हम लोग रखे हैं थोड़ा सा प्योर वाटर इधर लिए हैं समुद्र का पानी जिसमें गंदगी रे नमक बहुत कुछ घुला हुआ होगा लेकिन हाँ एक मिनट रुकना रुकना ये इधर है पानी इधर है शरबत तो इधर का पानी तो नमक सबके साथ एकदम फंसा हुआ होगा जुड़ा हुआ होगा तो वो पानी तो इधर से इधर नहीं आएगा ठीक है ये वाला पानी इधर से इधर जाना शुरू हो जाएगा इस घटना को कहे परासरण ठीक है अब आपने इतना जब इधर से इधर जाएगा तो ये पिस्टन ऊपर जाने लगेगा ठीक लेकिन पिस्टन ऊपर जा रहा था लेकिन तुमने इतना प्रेशर लगा दिया कि पिस्टन सिर्फ रुका ही नहीं अब पिस्टन नीचे आने लगेगा तो नीचे अगर आने लगा तो क्या होगा इधर का ही पानी निचोड़ा निचोड़ा के इधर से इधर आने लगेगा और जब इधर से इधर आने लगा तो परासरण होता था इधर से इधर और तुम जो ज़्यादा दबाव लगा दिया तो उसका पानी इधर आने लगा तो ये चूंकि उल्टा हो गया इसलिए इसको कहा जाता है विलोम परासरण और ऐसे ही पानी शुद्ध होता है आप कोई भी जो है ना वाटर प्योरिफिकेशन वाला कोई भी आप मशीन खरीदो देखना सब में लिखा हुआ होगा बेस्ड ऑन आर ओ आर ओ आर ओ ठीक है आ, मतलब जो है ना रिवर्स ऑस्मोसिस पर आधारित तो यही है रिवर्स ऑस्मोसिस क्या भाई जब विलियन की ओर लगाए जाने वाला बाहरी दबाव का मान पराशरण से अधिक हो जाता है तब फिर जो है विलायक का जो अनु है वो विलियन से ही विलायक की तरफ मतलब उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण की तरफ आने लगता है इसी घटना को कहते हैं विलोम परासरण और पानी का शुद्ध होना विलोम परासरण का उदाहरण है ठीक है चले आगे हम लोग आइए क्या यहां तक क्लियर अब तो सब ठीक है ना मज़ा आ गया सर <laughs> हाँ कैंट कैंट हो या एक्वागार्ड एक हुआ कोई भी चीज हुआ ना वो सब जो है ना आर पर ही काम करता है ठीक है आर मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस पानी का जितना भी शुद्ध होने वाला मशीन है ना सब आर पर काम करेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट इंपौर्ट, ऑब्जेक्टिव है अभी जस्ट अब पांच से दस मिनट रुक जाइए आ रहे हैं ऑब्जेक्टिव पर ऑब्जेक्टिव के थ्रू एक बार फिर रिविजन हो जाएगा डबल समझ रहे हो एक बार अभी थ्योरी से रिवीजन कर लिया और अभी ऑब्जेक्टिव से पूरा रिवीजन कर लेना उसमें बोर्ड में आने वाला भी ऑब्जेक्टिव है कुछ एक्स्ट्रा ऑब्जेक्टिव भी है और रिवीजन करने के लिए कुछ शॉर्ट टाइप का भी हम ऑब्जेक्टिव दे दिए हैं जिससे शॉर्ट क्वेश्चन भी बन जाता है ठीक है यस सर यस सर यस सर चलो बहुत अच्छा वेरी गुड वेरी गुड हाँ हाँ प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस ये हम लोगों का कॉपी का तुम लोग जो है लाइन लिख रहा है हाँ, हाँ बहुत अच्छा वेरी गुड वेरी गुड चलो अब इस बार हम लोग जो शुरू करेंगे खत्म कर देंगे एकदम ठीक है आ जा तो रिवर्स ऑस्मोसिस जो है विलोम परासन परासन होता था पानी का इधर से इधर जाने की घटना लेकिन तुम उधर ज्यादा दबाव लगा दोगे तो उधर से ही इधर आने लगेगा इसको कहते थे हम लोग विलोम परासन गंदा पानी से पानी निचुड़ा निचुड़ा के इधर आने लगेगा तो आपको शुद्ध पानी इधर मिलने लगेगा इधर देखो हम लोग लगा के रखे हुए हैं सब पानी इधर से इधर आएगा फिर ऊपर जाएगा फिर इधर आएगा घटक घट 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 पी लो पीलो पानी तुम लोग भिजो है चलिए आइए हो गया बकले हाटले अब ये बकले हाटले मेथड हम आपको बताए थे परासरण दाब को निकालने का ठीक है ये लॉन्ग में भी एक ही बार में 2014 में पूछा है आ, लेकिन पूरा का पूरा थ्योरी सब भी बताए थे थोड़ा देख लो उसको थोड़ा कम ही इंपॉर्टेंट है ज्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं लेकिन फिर भी चलो एक बार देख लेते हैं तो बकले और हाटले मैथड जो था ना वो परासरण दाब को निकालने का मैथड था कैसे निकालते थे तो सबसे पहले हम लोग क्या करते थे एक छिद्रदार बर्तन लेते थे सॉरी छिद्रदार बर्तन लेना पड़ेगा ना छिद्रदार बर्तन तो छिद्रदार बर्तन ले लो ठीक है चलो इधर ये कर देते हैं छिद्रदार बर्तन छेद छेद वाला एक छिद्रदार बर्तन ले लिए जिसके दोनों किनारे पर क्या करते थे कॉपर फेरोसाइनाइड है ना कॉपर फेरोसाइनाइड का एसपीएम लगा देते थे एसपीएम से सिर्फ पानी पास होगा झिल्ली इधर भी लगा देते थे ठीक है फिर उसके बाद हम लोग क्या करते थे इस इस साइड भी एक बर्तन ले लेते थे और इसमें वही सॉल्यूशन भरते थे जिसका पराशरण दबाव आपको निकालने के लिए कहा गया है इधर भी आप वही सॉल्यूशन भरिए जिसका परासरण दबाव आपको निकालना है ठीक उसके बाद फिर इसमें क्या करते थे केपेलरी ट्यूब ऐसे लगाते थे अब कैपेलरी ट्यूब की सहायता से इसमें हम लोग क्या करते थे पानी भर देते थे पानी का मतलब हो गया सॉल्वेंट। यहां पर ऐसे करके कैपिलरी ट्यूब लेते थे याद आ रहा है ठीक है और इसमें क्या करते थे पानी भर देते थे ठीक है इधर, इधर से भी पानी भर दिए और इधर से भी पानी भर दिए ठीक जैसे ही हम पानी भरते थे हम क्या देखते थे कि पानी इधर से इधर जाने लगा क्योंकि परासरण की घटना आप लोग जानते ही हो किसको कहते हैं ठीक है कि जब भी तुम पानी को असरबत को एसपीएम से अलग करोगे तो तुम पाओगे कि पानी का जो अनु है वह पतला से गाढ़ा की तरफ जाने लगेगा इसका पानी तो चीनी के साथ फंसा हुआ ये नहीं आएगा इधर से इधर जाने लगेगा इसी घटना को परासरण कहते थे उसी तरह से उधर भी विलियन लगा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा इधर जाने लगेगा है ना इस साइड जाने लगेगा तो जैसे ही पानी इधर और इधर जाना शुरू हो गया बाबू ठीक है इस इस पूरे फिगर को तुम ऐसे समझो ऐसे है यहां पर यहां पर पानी है और इस साइड भी विलियन है यह वाला और इस साइड भी विलियन है वो वाला तो पानी दोनों तरफ भागने लगेगा तो जब पानी दोनों तरफ भागने लगेगा तो इस कैपिलरी ट्यूब में इसका स्तर क्या हो जाएगा घटने लगेगा जैसे कैपिलरी ट्यूब में जल का स्तर घटने लगा तो समझ जाइए कि परासरण प्रारंभ हो गया इसी परासरण को रोकने के लिए जितना दबाव लगाना पड़ता है उसको परासरण दबाव कहते हैं तो परासरण दबाव देखो कैसे निकाला जाता है यहां पर हम लोग क्या करते थे यहां पर हम लोग ऐसे करके एक पिस्टन लगाते थे और इस पिस्टन को एक प्रेशर गॉज से जोड़ देते थे प्रेशर प्रेशर गॉज गॉज से है ना ये क्या था एक ऐसा मशीन था जो प्रेशर लगाता भी था और प्रेशर को माप भी लेता था ठीक तो जैसे तुम ये सेटअप करोगे पानी इधर जाने लगेगा तो जैसे पानी इधर जाने लगेगा तो इसमें शरबत में पानी बढ़ने लगेगा और जैसे पानी बढ़ने लगेगा तो ये पिस्टन को धक्का मारेगा लेकिन प्रेशर ये प्रेशर गॉज जो है इस पिस्टन को ऊपर जाने नहीं देगा हाँ जितना इधर से ये धक्का मार रहा है ये हमारा प्रेशर गॉज उतना ही दबाव लगा देगा मान लो ये इधर से इधर से 10 एटीएम लगा रहा था तो ये प्रेशर गॉज उधर से भी 10 एटीएम लगा देगा ठीक है 10 एटीएम लगा जैसे 10 एटीएम लगाया तो पिस्टन वहीं रह जाएगा ठीक है तो देखो हम लोग क्या पढ़े थे कि वह दबाव जिसके लगाने से पिस्टन वहीं रह जाए मतलब क्या अब अब पिस्टन ऊपर जाता तब ना पानी इधर से घुसता पानी घुसना चाह रहा है लेकिन वो पिस्टन ऊपर जाने ही नहीं दे रहा है ये मशीन नहीं तो 10 एटीएम का दबाव नीचे से लगा रहा था तो वो भी 10 एटीएम का दबाव लगा दिया तो पिस्टन तो यहीं रह जाएगा और पिस्टन यहीं रह जाएगा तो ये पिस्टन ऊपर नहीं जाएगा तो ये तो ऑलरेडी फुल है इसमें जगह बनेगा नहीं जगह बनेगा नहीं तो पानी घुस नहीं पाएगा अब पानी नहीं घुस पाएगा तो इधर से इधर जाने की घटना क्या होने लगेगी बंद और परासरण को बंद करने के लिए जितना दबाव लगाना पड़ता है वही होता है परासरण दबाव तो ये प्रेशर गॉज देखिए प्रेशर लगा भी दिया और इसकी मात्रा को यहां पर अंकित भी कर दिया यही दस एटीएम हो गया परासरण दबाव देखो परासरण दबाव निकल गया ठीक है अच्छा दूसरा विलियन का निकालना है तो ये विलियन को हटा दो दूसरा विलियन भर दो ठीक है मान लीजिए यहां पर प्रेशर गॉज बताने लगा 11 एटीएम ठीक है ग्यारह एटीएम इसका मतलब समझ जाइए कि ये इधर से ग्यारह एटीएम का धक्का मार रहा था इस वजह से प्रेशर गॉज को पिस्टन को रोकने के लिए उधर से ग्यारह दबाव ग्यारह एटीएम दबाव लगाना पड़ा तो इस विलियन का परासरण दबाव हो जाएगा ग्यारह एटीएम क्योंकि ऑस्मोसिस सॉरी ऑस्मोटिक प्रेशर परासरण दबाव हम लोग उसी विलियन को कहते हैं जिस सॉरी सॉरी परासरण दबाव हम लोग उसी दबाव को कहते हैं जिस दबाव के लगाने से ये परासरण की घटना रुक जाती है ठीक है एक बार और हम तेजी से हम आपको बता देते हैं बाबू देखो ठीक है सबसे पहले आप इसमें क्या करिएगा एक छिदेदार बर्तन ले लेना है छिदेदार बर्तन तुरंत कर देंगे बस खत्म ओ सॉरी छिदेदार बर्तन ले लिए अच्छा उसके बाद फिर इसके यहाँ पर क्या कहते हैं दोनों दीवाल पर आपको क्या करना है एस पी एम लगाना है है ना एस पी एम लगाना है एस पी एम लगाना है लगा दिए और ये एस पी एम किसका होता था याद है बता चुके हैं हम आपको कॉपर ठीक है फेरो साइनाइड ठीक है उसके बाद आपको दोनों साइड आपको क्या करना है दो और बर्तन डालना है और इसमें वही सॉल्यूशन आपको रखना है जिस सॉल्यूशन का परासरण दबाव आपको निकालना है यहां पर भी ऐसे कर दीजिए यहां पर भी ऐसे कर दीजिए नहीं उसके बाद फिर कैपिलरी ट्यूब हम लोग लेते थे कैपिलरी ट्यूब ले लो ऐसे करके कैपिलरी ट्यूब लगा दो कैपिलरी ट्यूब इस कैपिलरी ट्यूब से क्या करते थे हम लोग पानी भरते थे नहीं और यहां पर हमको लेना है सॉल्वेंटे खाली ले लो ना प्योर सॉल्वेंट क्या लिखेंगे ठीक है उसी तरह से यहां पर भी ऐसे करके कैपिलरी ट्यूब ले लो यहां पर से भी पानी भर दो है ना ये हो गया अच्छा उसके बाद फिर यहां पर क्या करते थे हम लोग ऐसे पिस्टन लगाते थे आ इस पिस्टन को कनेक्ट किससे करते थे प्रेशर गॉज से ये प्रेशर गॉज था है ना प्रेशर को लगाता भी था नापता भी था हो गया ठीक है जैसे तुम पानी इसमें भरोगे जैसे इसमें पानी भरोगे तो तुम क्या पाओगे कि देखो भाई ये पानी इधर से इधर जाना शुरू कर दिया इधर से इधर जाना शुरू कर दिया इधर से इधर जाना शुरू कर दिया तो ये पानी जो इधर से इधर जाएगा इसी घटना को हम लोग परासरण कहते हैं लेकिन हाँ जैसे पानी जाएगा ये पिस्टन को उधर ढकेलना चाहेगा लेकिन हमारा पिस्टन इस हमारा जो प्रेशर गॉज है इस पिस्टन को उधर जाने नहीं देगा जितना ये दबाव मार रहा है उतना उधर से भी मार देगा पिस्टन को वहीं रुक देगा और इधर से इधर पानी जाने ही नहीं देगा जाने नहीं देगा तो परासरण रुक गया और जिस दबाव के कारण परासरण रुका वही ना परासरण दबाव है मान लीजिए कि यहां पर ये

उसका वहां वह मान लीजिए बीस एटीएम आने लगा इसका मतलब है कि इस बार ये जो धक्का मार रहा था बीस एटीएम का मार रहा था इस वजह से प्रेशर गॉज को पिस्टन वहीं पर रोकने के लिए उधर से बीस एटीएम लगाना पड़ा तो जितना यहां पर यहां पर जितना दबाव शो होगा समझ आइए वही परासरण दबाव है क्योंकि ये शौक से नहीं लगा रहा है इस बहाव को रोकने के लिए लगा रहा है और परासरण को रोकने के लिए जितना दबाव लगाता है वही तो है पराशरण दबाव नहीं और दूसरा विलियन भर दिए मान लीजिए यहां पर दो एटीएम शो होने लगा तो वही दो एटीएम क्या है पराशरण दबाव है नहीं चले आगे आइए अच्छा परासरण दबाव के आधार पर विलियन तीन टाइप का होता था दो ऐसा विलियन जिसका परासरण दबाव बराबर हो तब उसको आइसोटोनिक कहते थे जिसका परासरण दबाव ज्यादा हो उसको हाइपरटोनिक कहते थे जिसका परासरण दबाव कम हो उसको हाइपोटोनिक कहते थे है ना हाइपो निम्न परासरी जिस दो विलियन का परासरण दबाव बराबर हो जाएगा वो आइसोटोनिक जिसका ज्यादा होगा हाइपर उच्च परासरी और जिसका परासरण दबाव कम होगा वो होता था हाइपोटोनिक नहीं

तो तुम जो सोच रहे हो और अंदर में जो वास्तव में है ये दोनों क्या हो जाता था भिन्न नहीं और एक और जगह पे हो सकता है एसोसिएशन जब संयोजन होगा मान लीजिए कि यहां आपने चार सॉल्यूट लिया ये दोनों जुड़ के एक बना दिया ये दोनों जुड़ के क्या हो गया एक बना दिया तो जब भी सॉल्यूट टूटने लगता है और सोल्यूट जब जुड़ने लगता है तब सॉल्यूट की वास्तविक संख्या या तो बढ़ जाती है या तो घट जाती है और संख्या पर ही निर्भर करता है अनुसंख्य गुण याद है अनुसंग गुण वो गुण है जो सॉल्यूट की संख्या पर निर्भर करता है नंबर ऑफ सॉल्यूट पर निर्भर करता है अगर सॉल्यूट उतना ही रहा तो तुम जो जितना सोच रहे होगे क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी और अंदर में जो वास्तविक क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी है वो दोनों बराबर होगा लेकिन अगर सॉल्यूट टूट गया या सॉल्यूट अगर जुड़ गया तो हम लोग जो थ्योरी बनाएंगे यहां से ये हो गया नॉर्मल क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी ठीक है लेकिन जैसे टूटा तो सॉल्यूट की संख्या तो बढ़ गई है आठ हो गया है तो हमारे द्वारा सोचा गया कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और ये जो एक्चुअल क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी है ना ये दोनों क्या हो जाएगा अलग आ, ये, ये ये अलग तो हुआ ठीक है ये अलग तो हुआ लेकिन हम लोग कितना सोच रहे थे क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी चार लेकिन ये अलग होके कितना हो गया है आठ मतलब पगला गया है तो इसी एक्चुअल प्रॉपर्टी को हम लोग कहते थे और समान हम लो अपने पूरे हवास में कितना दिए थे चार. अब पानी में जाने के कितना हो गया आठ तो इसी वास्तविक अच्छा हम लोग कितना डाले थे चार लेकिन अंदर में जुड़ के कितना हो गया दो तो आप जो सोच रहे हो अब वास्तव में विलियन के अंदर जो हो गया है वो दोनों तो अलग है तो इसी एक्चुअल एक्चुअल प्रॉपर्टी को नीचे वाले को कहते थे एबनॉर्मल क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी एबनॉर्मल क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी दो ही केस में होगा जब सॉल्यूट आपका टूट जाएगा ठीक है सॉल्यूट जब आपका टूट जाएगा तब और सॉल्यूट जब जुड़ जाएगा तब दो ही केस में होगा नहीं अच्छा अब हम हाँ आपको वन टॉप फैक्टर बताए थे कि जब सॉल्यूट पानी में जाने के बाद टूट गया तो हम जो सोचेंगे चार और अंदर में जो हो गया आठ अलग अलग हो जाएगा मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पगला जाएगा और अगर जुड़ा तो भी पगला जाएगा तो कितना से पगलाया मतलब एब्नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कितना हो गया क्योंकि क्योंकि ऊपर वाला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो आप निकाल लोगे क्योंकि आप अपने हाथ से दिए हो अपने हाथ से दिए हो लेकिन पानी के अंदर आठ हो गया कि छह हो गया कि दो हो गया कितना हो गया यही जानने के लिए वॉन्ट हॉफ साहब ने हम लोगों को फॉर्मूला दिया फैक्टर दिया जिसको हम लोग कहते थे वॉन्ट हॉफ फैक्टर तो वॉन्ट हॉफ फैक्टर किसको कहते थे भाई अनुसंघ गुण को ज्ञात करने के लिए वॉन्ट हॉफ ने जो फॉर्मूला दिया जो फैक्टर दिया उसी को ऑफ फैक्टर कहते थे ऐसे तो हम आपको चार फॉर्मूला बताए थे लेकिन चार में से सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला उनका था इसको आई से सूचित करते थे वन ऑफ फैक्टर को आई से सूचित करते थे और आई का पहला फॉर्मूला था एबनॉर्मल क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी बाय नॉर्मल क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी देखो नॉर्मल क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी ऊपर वाला है ये कितना हो गया चार मान लीजिए और आई अगर पता चल जाए कि आपका दो है तो एबनॉर्मल नहीं हो जाएगा चार को इधर कर दो आठ निकल जाएगा मतलब आई जो है ना बहुत ज्यादा जरूरी चीज़ है आई क्या है ऑफ फैक्टर यही बताएगा कि अनुसंख्य गुण कितना से पगलाया है अनुसंख्य गुण कितना से पगलाया है तो अनुसंख्य गुण मतलब नीचे वाला अनुसंख्य गुण कितना हो गया वही चीज को बताने के लिए हॉफ ने जो फॉर्मूला दिया उसी फॉर्मूला को हॉफ फैक्टर कहा जाता है जिसको आई से सूचित किया जाता है अच्छा आई अगर निकालना है तो एक फॉर्मूला ये याद रखेगा एबनॉर्मल सीपी बाई नॉर्मल सीपी ऐसे चार फॉर्मूला बताएं लेकिन ये दोनों तो जरूर याद रखना और दूसरा था आई इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन ठीक है टूटने के बाद टूटने के बाद सॉल्यूट का कितना संख्या हो गया आफ्टर आफ्टर का मतलब क्या हो गया बाद टूटने के बाद कितना हो गया अब बटा टूटने के पहले कितना है है ना टूटने के बाद आठ हो गया तो आठ ऊपर और टूटने के पहले चार था तो नीचे है ना तो ये दोनों फॉर्मूला आई का जरूर याद रखिएगा आई इज इक्वल टू एबनॉर्मल सीपी बाय नॉर्मल सीपी और आई इज इक्वल टू विघटन के पश्चात सॉल्यूट की संख्या या संयोजन के पश्चात और पहले जितना था वो नीचे में रहेगा अच्छा दो केस इसमें था भाई एक डिसोसिएशन का केस एक एसोसिएशन का डिसोसिएशन में क्या हो जाएगा सॉल्यूट टूट जाएगा तो ये वाला नंबर ज्यादा हो जाता था तो ये वाला नंबर ज्यादा हो गया तो यही तो एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी था वो तो नॉर्मल था तो एबनॉर्मल इसमें क्या हो जाता था ज्यादा ठीक है आई का मान हो जाता था इसमें एक से ज्यादा याद रखिएगा आई का मान एक से ज्यादा कैसे हुआ ये भी हम लोग जानते हैं ठीक है तो ऐसे भी देख लो ना कौन मेरा बड़ा वाला बात है ऐसे भी निकल जाएगा आई इज इक्वल टू एबनॉर्मल सी पी बाय नॉर्मल सी पी ये फॉर्मुला था दोनों अगर बराबर हो जाए तो मान एक हो जाएगा अगर ऊपर वाला बड़ा हो जाए देख तो ये बड़ा हो रहा है ऊपर वाला ऊपर वाला का मान अगर नीचे वाले से थोड़ा सा भी बड़ा बड़ा आ जाए तो ये जो अनुपात है वो हमेशा एक से ज्यादा हो जाता है और अगर मान लीजिए ऊपर वाला छोटा हो जाए नीचे वाला बड़ा हो जाए तब तो मान एक से कम हो जाएगा दोनों अगर बराबर है तब एक के बराबर ऊपर अगर ज्यादा तो एक से ज्यादा अगर ऊपर वाला कम तो एक से कम खत्म बात ठीक है तो डिसोसिएशन के केस में क्या क्या बात हम आपको याद रखने के लिए बोले थे पहला बात एबनॉर्मल सीपी जो है नीचे वाला ज्यादा होगा आई का मान क्या होगा एक से ज्यादा होगा और सीपी और मोलिकुलर मास उल्टा होता था तो सीपी में जब एम नॉर्मल बड़ा है तो मोलिकुलर मास में नॉर्मल बड़ा हो जाता था उसके बाद फॉर्मूला हम आपको बताए थे एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जिसपे की क्वेश्चन आता रहता है आई इज इक्वल टू वन माइनस अल्फा इन टू वन माइनस एन अभी इसका क्वेश्चन भी कराएंगे ऑब्जेक्टिव में तो ऐसे भी आपका रिविजन हो जाएगा अल्फा क्या था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एन क्या था टूटने के बाद कितना सॉल्यूट हो गया है ना टूटने के बाद ठीक है हंड्रेड डिसोसिएशन पर आई जो है हमारा एन के बराबर हो जाता था आई जो है वो N के बराबर हो जाता था क्योंकि अल्फा वन हो जाता था याद आ गया तो डिसोसिएशन के केस में क्या क्या बात याद रखिएगा डिसोसिएशन के केस में पहला बात आप लोगों को याद रखना है कि एबनॉर्मल सीपी जो होगा वो नॉर्मल सीपी से क्या होगा ज्यादा होगा आई का मान एक से क्या होगा भाई ज्यादा होगा अच्छा सीपी में अगर एबनॉर्मल बड़ा है तो सीपी पी और मोलिकुलर मास जस्ट होता है उल्टा तो मोलिकुलर मास में नॉर्मल बड़ा हो जाएगा ये दोनों ये फॉर्मूला तो एकदम मस्त याद रखना और ये भी क्या भाई आई इज इक्वल टू वन माइनस एल्फा इंटू वन माइनस एन आई इज इक्वल टू वन माइनस एल्फा इंटू वन माइनस एन ठीक है और हंड्रेड परसेंट डिसोसिएशन हो गया मतलब जितना तुम सॉल्यूट लिए हो अगर सब का सब सोल्यूट टूट चुका है पूरी तरह से हंड्रेड परसेंट विक्टन हो गया तब आई किसके बराबर हो जाएगा एन के बराबर हो जाएगा अगर एसोसिएशन का केस लेते हैं तो जस्ट उल्टा केस ऑफ एसोसिएशन में क्या हो जाएगा नॉर्मल क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी ये वही लिख दिया सेम नहीं होगा जस्ट उल्टा हो जाएगा जस्ट उल्टा है ना तो नॉर्मल ये क्या कहते हो एसोसिएशन जब होगा तो देखो ऊपर वाला ही बड़ा हो गया ना तो ऊपर वाला नॉर्मल होता है ना तो नॉर्मल क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी हो जाएगा बड़ा I का मान हो जाएगा एक से छोटा ठीक है और सी पी में जब एब नॉर्मल छोटा है तो मोलिकुलर मास में नॉर्मल छोटा हो जाएगा और I का फॉर्मूला होता था, था I इज इक्वल टू वन माइनस अल्फा इंटू वन माइनस वन बाई एन आई इज इक्वल टू वन माइनस अल्फा इंटू वन माइनस वन बाय और अगर हंड्रेड परसेंट एसेसुशन ले लेते हो तो I इज इक्वल टू हो जाएगा वन बाय एन है ना उसमें हम आपको बताए थे ट्रिक कि उस फॉर्मूला में जहां जहां एन है इसमें जहां जहां एन है इसमें वहां वहां वन बाय एन हो जाएगा जहां जहां एन है वहां वहां वन बाय एन हो जाएगा ठीक चलिए आगे िटी सोलिबिलिटी क्या था भाई सोलिबिलिटी क्या था देखो 100 ग्राम आप ले लीजिए क्या कोई भी द्रव तो 100 ग्राम द्रव में आप जितना सॉल्यूट डाल सकते हो उसके ग्राम की संख्या को कहते थे घुलनशीलता बस हां ये घुल जाना चाहिए ऐसा नहीं कि हां पेंदे पे बैठने लगे ना ना, 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 ना। एक सौ ग्राम द्रव ले लो और एक सौ द्रव, एक सौ ग्राम द्रव में इसमें घुलाते जाओ घुलाते जाओ घुलाते जाओ खिलाते जाओ खिलाते जाओ खिलाते जाओ ठीक है जैसे इसका घुलना बंद हो जाए ठीक है तो ये क्या करेगा पेंदे पे बैठाना शुरू कर देगा जैसे पेंदे पे बैठना शुरू हो गया समझ जाइए कि ये एकदम तृप्त हो चुका है संतृप्त हो चुका है एकदम पेट भर गया है तो एक सौ ग्राम किसी भी द्रव को एकदम संतृप्त कर देने के लिए तृप्त कर देने के लिए जितना भी उसमें सॉल्यूट डाल सकते हैं मैक्सिमम उसी को हम लोग कहते थे इसका घुलनशीलता घुलाने की क्षमता मान लीजिए कि 40 ग्राम इसने घुलाया तो 100 ग्राम द्रव को एकदम संतृप्त करने के लिए 40 ग्राम इसमें घुलाना पड़ा तो इसका घुलनशीलता हो जाएगा 40 ग्राम हम लोगों का क्या होता है खाने की क्षमता पेट भरने के लिए तू जितना खाएगा वो तुम्हारा खाने की क्षमता हुआ हंड्रेड ग्राम द्रव को संतृप्त करने के लिए इसमें जितना तुम ज्यादा से ज्यादा घुलाओगे ये इसका हो जाएगा घुलनशीलता तो एक सौ ग्राम द्रव को एकदम संतृप्त करने के लिए सॉल्यूट की जितनी भी महत्तम मात्रा इसमें डाली जा सकती है इट इज कॉल्ड नहीं नहीं solubility, चार बातों पर पर डिपेंड करता था यहां लिखा हुआ कोई बात नहीं सोलिबिलिटी चार बातों पर डिपेंड करता था क्या डाल रहे हो किसमें डाल रहे हो और टेम्परेचर क्या है और प्रेशर क्या है ना सोलिबिलिटी में चार बात था क्या डाल रहे हो मतलब नेचर ऑफ सॉल्यूट किसमें डाल रहे हो मतलब नेचर ऑफ सॉल्वेंट और टेम्परेचर क्या है

मिलाते थे गर्म करोगे तो गैस का भी भेपर बनेगा और द्रव का भी भेपर बनेगा तो रौ, रौ, न, इसने हेनरी ने क्या कहा था देखो दोनों का भाव बन गया तो गैस भी दबाव लगाएगा ये भी दबाव लगाएगा तो हेनरी ने क्या कहा था कि गैस जितना दबाव लगाएगा ये वाला गैस वास्पु वाला गैस जितना भी दबाव लगाएगा ठीक है तो जब दो 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 हो इसका भी भाप बना हुआ है इसका भी भाव बना हुआ है जब दो दो गैस दबाव लगाए तो ये जितना लगाएगा वो इसका आंशिक दाब ये जितना लगाएगा वो इसका आंशिक दाब तो हेनरी ने क्या कहा था कि गैस जो भी प्रेशर लगाएगा गैस जो भी दबाव अपना लगाएगा मतलब जो गैस का आंशिक दाब होगा वो नीचे में जो गैस है उसी गैस के मूल अंश के क्या हो जाएगा समानुपाती हो जाएगा नहीं वाष्प अवस्था में जो भी गैस आंशिक दाब लगा रहा है द्रव अवस्था में जो भी गैस होगा वो उसी के मोल अंश के समानुपाती होगा यहां से हम लोगों को राउल्ट नियम याद आया था प्रत्येक पदार्थ का आंशिक दाब उसी पदार्थ के मोल अंश के समानुपाती होता है एक्चुअली ये ये नियम ये मत समझिएगा कि राउल्ट नियम का ये कॉपी किए हैं पहले हेनरी साहब ने नियम दिया था फिर रॉल्ट ने दिया था इन्होंने बिस बस गैस के लिए दिया था उन्होंने पूरा जनरलाइज कर दिया था हर पदार्थ के लिए दे दिया था तो हेनरी ने क्या कहा था कि वाष्प अवस्था में जो गैस है वो जो दबाव लगा रहा है मतलब उसका जो आंशिक दाब है और आ, द्रव अवस्था में जो गैस है द्रव अवस्था में जो गैस है उसके मूल अंश के क्या होगा समानुपाती होगा ठीक है तो वाष्प अवस्था में उपस्थित गैस का आंशिक दाब द्रव अवस्था में उपस्थित गैस के मूल अंश के समानुपाती होता है इसी को बराबर में करने के लिए एक कॉन्स्टेंट दिए थे आप लोग क्या के हेनरी कॉन्स्टेंट पीजी एक्स जी यह आ गया था पी मतलब हो गया गैस का आंशिक दाब ये वाले गैस का आंशिक दाब एक्स जी हो गया इस गैस का मोल अंश असमानुपाति को बराबर में करने के लिए क्या दिए थे एक ये था आपका हेनरी लॉ ठीक है उसके बाद एजोटॉपिक मिक्सर किसको कहते थे हम लोग वह मिश्रण ठीक है वह मिश्रण जिसका जो अपने अभियव अनुपात में परिवर्तन किए बिना स्थिर ताप पर उबलता था मतलब क्या एक आप बर्तन ले लिए इसमें ए और बी लिए हैं ठीक है तो ए पांच है बी अगर दस है तो ए बी का अनुपात कितना हो गया पांच अनुपात दस मतलब एक अनुपात दो लेकिन जब तुम इसको गर्म करोगे ना तो मान लीजिए ए अगर तीन उड़ा है तो ये छे उड़ेगा तो A का A का भाप यहां पर बना जिसको ए डैस मान लेते हैं बी का भेपर जो बना उसको बी डैस मान लेते हैं तो एस बी डैस जब कीजिएगा तो तीन अनुपात छ मतलब एक अनुपात दो देख रहे हो द्रव अवस्था में जो अनुपात है वही अनुपात इसका वाष्प अवस्था में भी रहता है ऐसे हाई क्वालिटी स्पेशल मिश्रण को कहते थे हम लोग एजोटॉपिक मिक्सचर और अगली और दूसरी बात यह है कि यह मिश्रण होने के बावजूद इसका कथनांग क्या होता था फिक्स होता था तो हम लोग बोलते थे वह मिश्रण जो अपने अवयवी अनुपात में परिवर्तन किए बिना वह मिश्रण जो अपने अवयवी अनुपात में परिवर्तन किए बिना फिक्स ताप स्थिर ताप पर उबलता है उसको हम लोग कहते हैं स्थिर क्वंथी मिश्रण मतलब एजोटॉपिक मिक्सचर जितना अनुपात द्रव अवस्था में होगा वही अनुपात इसके वाष्प अवस्था में भी होगा इसका अनुपात परिवर्तित नहीं होता था तो वह मिश्रण जो अपने अवयवी अनुपात में परिवर्तन किए बिना

जिसका वह है जो टॉपिक मिश्रण जिसका क्वनांग दोनों से क्या हो जाता था ज्यादा दोनों से क्या हो जाता था ज्यादा ठीक है दोनों मिश्रण से हो जाता था ज्यादा उसको कहते थे मैक्सिमम बॉइलिंग है जो ये रॉल्ट नियम से बहुत ज्यादा निगेटिव डेविएशन शो करता था इसका फेमस एग्जाम्पल था वाटर और एथेनॉल ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है बाबू देखो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट तीन इसका बॉइलिंग पॉइंट तीन लेकिन जैसे तुम दोनों को मिलाओगे देखो मिश्रण का मिश्रण का जो क्वनांग हो गया तीन पॉय हो गया देखो दोनों से कम हो गया इसलिए इसको मिनिमम कहा गया वाटर 20 -20, बार -बार तो को जब तुम मिलाओगे तो देखो, ये जो है, इस दोनों से क्या है, है। इसको कहा गया, तो दो का होता था। एक मिनिमम ब्वाइलिंग और मैक्सिमम बॉइलिंग एजोटॉपिक मिक्सर अगर है तो नीचे का अनुपात और ऊपर का अनुपात बराबर होगा नीचे ऊपर बराबर होगा लेकिन हाँ इसका नाम मिनिमम इसलिए पड़ा क्योंकि मिश्रण का जो क्वनाक था उस दोनों से कम होता था मैक्सिमम इसलिए नाम पड़ा क्योंकि मिश्रण का इस दोनों से क्या हो गया ज़्यादा एंड फाइनली लास्ट पूरा सॉल्यूशन मैक्सिमम पार्ट देखिए आप लोग जो है हम लोग रिवीजन कर लिए ठीक है अब उसके बाद सॉल्यूशन को एक और भा, भागों में बांटा गया था कि अगर आपका सॉल्वेंट जिसमें मिला रहे हो अगर सॉल्वेंट सॉलिड हुआ तो सॉलिड सॉल्यूशन अगर सॉल्वेंट लिक्विड हुआ तो लिक्विड सॉल्यूशन अगर सॉल्वेंट गैस हुआ तो गैसवा सॉल्यूशन तो जिसमें घुला रहे हो मतलब सॉल्वेंट उसकी अवस्था के आधार पर सॉल्यूशन को तीन भागों में बांटा गया था ठीक है सॉलिड सॉल्यूशन जिसका विलायक ठोस होता है जिसको घुला रहे वो नहीं जिसमें घुला रहे वो हो वो ठोस होगा लिक्विड जिसका विलायक द्रव होता है और गैस व सॉल्यूशन जिसका विलायक क्या होता है गैस मतलब अगर गैस में घुलाए अगर द्रव में घुलाए अगर ठोस में घुलाए ठीक है सबका तीन तीन एग्जाम्पल बनाए बताए थे याद है गैस को एक बार गैस में घुलाए थे फिर नहीं कौन सॉलिड है ना गैस को सॉलिड में घुलाए थे उसके बाद लिक्विड को सॉलिड में घुलाए थे फिर जो है गैस को सॉलिड को सॉलिड में घुलाए थे इसमें फिर क्या था कि पहले गैस को घुलाए थे पहले सॉलिड को सॉरी घुलाते थे सॉलिड को लिक्विड में घुलाए थे फिर लिक्विड को लिक्विड में घुलाए थे फिर गैस को लिक्विड में घुलाए थे और गैसवस में सॉलिड को गैस में घुलाए थे कपूर वाला एग्जाम्पल फिर लिक्विड को गैस में घुलाए थे हम लोग लिक्विड को गैस में कोहरा और गैस को गैस में हवा ठीक है मेनली ये वाला सॉल्यूशन होता है जिसमें हम लोग लिक्विड में घुलाते हैं नहीं देखो अब चलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव पे आते हैं देखो पूरा का पूरा सॉल्यूशन हम लोग रिवीजन कर लिए रिवर्स ऑस्मोसिस को आप ऐसे कर सकते हो ठीक है वैन द अप्लाइड एक्सटर्नल प्रेशर ऑन सॉल्यूशन बिकम्स ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर ठीक है? अप्लाइड एक्सटर्नल प्रेशर ऑन सॉल्यूशन और हाई कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बिकम्स ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर देन देन सॉल्वेंट मॉलिकुल्स फ्लोइंग थ्रो सोल्यूशन टू प्योर सोलवेंट ठीक है दिस फिनोमिना इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस ठीक है और नॉर्मल क्वालिकेटिव प्रॉपर्टी बोल सकते हो कि वैन डिसोसिएशन और एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट टेक्स प्लेस इन द सॉल्यूशन क्योंकि दो जब सॉल्यूट टूटेगा सॉल्यूट जब जुड़ेगा तभी फिर जो नॉर्मल क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी होगा तो इंग्लिश में अगर डिफाइन करना है तो क्या बोलोगे वेन डिसोसिएशन और एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट टेक्स प्लेस इन द इन द एनी सॉल्यूशन देन एक्चुअल नंबर ऑफ सॉल्यूट मतलब नीचे वाला सॉल्यूट एक्चुअल नंबर ऑफ सॉल्यूट बिकम्स डिफरेंट

yes very good very good very good ठीक है ठीक है ठीक है बहुत अच्छा बहुत अच्छा यस yes, चलो तो शुरू करें पहला क्वेश्चन चलिए एकदम धड़ाधड़ बढ़ते हैं हम लोग इसमें भी कितना टाइम हुआ रहा है देखना सॉल्यूशन ऐसे बड़ा चैप्टर भी है कितना हो गया भाई वाह डेढ़ घंटा हुआ है बाह मतलब हाफ एन आवर में इसको कंप्लीट कर लेंगे दो घंटा में पूरा सॉल्यूशन क्या बात है वेरी गुड अच्छा पहला बताइए द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू इज कॉल्ड दो या दो से अधिक पदार्थ के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं ओ हो हो अब हम नहीं बोलेंगे अब तुम लोग ज्यादा बोलो विलियन really? ठीक है सेकंड चलते हैं ओ, यही वाला डिफिनेशन बनाया चलो बाइनरी सॉल्यूशन में कितना होता है टू सब्सटांस टू सब्सटांस नेक्स्ट द नंबर ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन टर्नरी सॉल्यूशन देखो हम आपको बोले थे कि जैसे बाइनरी सॉल्यूशन है तो बाइनरी सॉल्यूशन में दो पदार्थ होता है एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट टर्नरी सॉल्यूशन में टर्नरी सॉल्यूशन में देखिएगा कोई भी सॉल्यूशन हो तो उसमें झोला ना एक ही होगा झोला जो, का मतलब जिसमें डाल रहे हो वो एक होगा और जो चीज डाल रहे हैं ना वो ज्यादा हो सकता है बैगन भी डाल दिए आलू भी डाल दिए गाजर भी डाल दिए मतलब क्या सॉल्वेंट कोई भी सॉल्यूशन ले लो सॉल्वेंट एक ही होगा सॉल्वेंट एक ही होगा बाकी सब उसमें घुलेगा बाकी सब उसमें घुलेगा तो टर्नरी सॉरी टर्नरी सॉल्यूशन में क्या पूछा है

इन which सॉल्यूशन वी कैन add मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एट नॉर्मल temperature? आपके पास तीन example है बताइए वो कौन सा ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें हम सामान्य ताप पर ही और ज्यादा विलय डाल सकते हैं चलो फटाफट बताओ वेरी गुड अनसर ये आपका ये इसका पेट बेचारे का खाली रहता था अभी जस्ट रिवीज, रिवीजन कराए थे हम आपको इसमें और ज्यादा चीनी आप डाल सकते हो नॉर्मल टेम्परेचर पर ही पांचवा द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन इज कॉल्ड विले तथा विलायक ठीक है विलय तथा विलायक या विलयन के मात्रा के अनुपात को क्या कहते हैं बहुत अच्छे से रिवीजन किए हो अभी जो है वेरी गुड चलो यही वाला चीज़ अभी बताए थे ये हम लोग कितना लंबा पढ़े थे एकदम जो भयंकर रूप से जाए अभी चलो रिवीजन कर दिए फास्ट क्योंकि आपका बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है ना तो ये आराम से रिवीजन हो गया चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन वन लीटर सॉल्यूशन इज कॉल्ड एक लीटर विलियन में उपस्थित विले की मोल की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं बताइए एक लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मोल की संख्या को क्या कहते हैं फटाफट तुम ही लोग बता दो टी मोलरिटी मोलारिटी वेरी गुड एक लीटर विलियन में जितना भी सॉल्यूट उपस्थित होता है उसको हम लो लोग मोलरिटी कहते हैं मोलरता अभी जस्ट जस्टन किए हैं सातवां यही वाला परिभाषा जो दिए थे चलो 98 ग्राम अब इसमें क्वेश्चन है चलो फटाफट निकाल लो तुम लोग ग्राफ कॉपी निकालो जो फॉर्मूला आप लोग बनाए थे बोलता है कि 90 ग्राम H2SO4 को मिक्स किया गया है वाटर में और दस लीटर विलियन बनाया है तो आप मोलरिटी निकालिए ठीक है खटाखट चलो मोलरटी निकाल के हमको पहले बताओ तो तुम लोग निकालो तब फिर हम निकालेंगे भाई बाबा फ़ाइव परसेंट बचा है इसका अच्छा इसको हम ये कर देते हैं यस yes. चलो देख लेते हैं मोलरिटी टू ठीक है मैक्सिमम का पानी में घुल रहा है ना तो जो घुल सॉल्यूट होगा ये सॉल्यूट हो गया ये घुला रहा है तो ये सॉल्वेंट हो जाएगा तो घुल कौन रहा है भाई एच टू एस ओ फोर तो मास ऑफ सॉल्यूट आपको ऊपर में रखना है फिर बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट तो एक एच का होता है वन तो दो एच का हो गया दो सल्फर का द्रव्यमान संख्या होता है बत्तीस एक ओ का द्रव्यमान संख्या सोलह तो चार का हो गया चौसठ सबको जोड़ दो तो कितना आ गया नाइनटी एट अगुना एक बटा आ, वन बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन सोल्यूशन का वॉल्यूम हो गया दस ये गया वन बाय टेन का मतलब हो गया जीरो पॉइंट वन मोल पर लीटर खट्टाक से निकल गया नहीं आप लोग सबका सही आ रहा था बोलता है अंठानवा ग्राम एच टू एस फोर को जल में मिश्रित करके दस लीटर विलियन बना रहे हैं तो बताइए मोलरता कितना होगा मोलरता जीरो पॉइंट वन हो गया चलिए आठवां नंबर क्वेश्चन ठीक है ये वाला मनो फटाफट बी हाँ आयशा इसीलिए हम रुके थे थोड़ा देर ठीक है इसीलिए हम रुके उसके बाद फिर अब स्टार्ट आठ का भी चलो बहुत अच्छा वेरी गुड आओ देखो बोलता है कि 100 ग्राम सी थ्री जो है 100 ग्राम सी एस थ्री मिक्स किए हैं किसके साथ 800 ग्राम वाटर के साथ और बोलता है कि अगर डेंसिटी इतना है ठीक है तब बताइए मोलोरिटी कितना होगा बहुत क्वेश्चन ऐसा तुम लोग बना चुके हो ठीक है तो डेंसिटी दे दिया इसका मतलब आप समझ रहे हो कि आपको मास को ना वॉल्यूम में बदलना पड़ेगा ठीक है तो एक सौ ग्राम देखो क्या है भाई सी एस थ्री है इसको आठ सौ ग्राम पानी के साथ मिलाया गया है ठीक है तो हमको मोलरिटी में ना सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए होता है सॉल्यूशन का वॉल्यूम मास नहीं चाहिए होता है तो ये हमारा हो गया सॉल्यूट चूना पत्थर पानी में जा रहा है तो ये सॉल्यूट हो गया ये सॉल्वेंट हो गया दोनों को मिलाओगे तो 900 ग्राम हमारा क्या हो गया सॉल्यूशन 900 ग्राम क्या हो गया सॉल्यूशन डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास बटा वॉल्यूम वॉल्यूम को इधर कर दो तो वॉल्यूम इज इक्वल टू हो जाएगा मास बटा डेंसिटी तो सॉल्यूशन का मास कितना आ गया दोनों को जोड़ दो तो नौ ग्राम हमारा मास आ गया डेंसिटी कितना दिया भाई वन पॉइंट तो 18 को कट, कट, कट कटाओगे तो हमको लगता है 500 सौ आ जाएगा नहीं 500 सौ आ जाएगा तो वॉल्यूम आ गया हमारा 500 सौ ठीक तो डेंसिटी का यूज करके वॉल्यूम हम लोग इसलिए निकाले क्योंकि हम लोगों को मोलोरिटी में वॉल्यूम चाहिए होता है अब मोलोरिटी निकाल लो फटाफट ठीक है मोलोरिटी का फॉर्मूला क्या होता है भाई मास ऑफ सॉल्यूट सॉल्यूट का मास कितना दिया हुआ एक सौ बाई मोलर मास कैल्सियम का होता है चालीस कार्बन का होता है बारह एक ओ का सोलह तो तीन का हो गया अड़तालीस सब तीनों दरबान संख्याओं को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा हंड्रेड अंटू वन बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन एम एल लीटर तो देखो ये सॉल्यूट का मास था ये सॉलवेंट का मास था ये सॉल्यूशन का मास था ये सब नहीं रखना है वॉल्यूम रखना है तो डेंसिटी की मदद से तुमने जो वॉल्यूम निकाला पांच सौ ये रखना है ठीक है चूंकि यहां एम एल में है तो हम आपको फॉर्मूला में क्या बताए थे एक हजार अगर लीटर रहेगा तो यहाँ एक अगर एम एल रहेगा तो एक हज़ार ये कट गया क्या बात है तुम लोग निकाल दिया था पहले जी बहुत अच्छा वेरी गुड चलो बहुत अच्छा वेरी गुड वेरी गुड चलिए नेक्स्ट अच्छा ये वाला क्वेश्चन जो है एकदम हु बहु वही है आप लोग बना के हमको कमेंट्स बॉक्स में डालना ठीक है बना लोगे क्या बोलो ये वाला बताओ बना लोगे आप लोग yes, 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 बहुत अच्छा गुड वेरी गुड चलिए टेंथ मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर हम लोग जानते हैं भाई फिफ्टी फाइव पॉइंट फाइव 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 प्योर वाटर में जबरदस्त कॉन्सेप्ट होता था प्योर वाटर में सॉल्यूट भी प्योर वाटर सॉल्वेंट भी प्योर वाटर सॉल्यूशन भी प्योर वाटर इसका डेंसिटी वन होता था मास और वॉल्यूम बराबर होता था ग्राम और के बराबर होता था ग्राम और एम बराबर होता था के और लीटर बराबर होता था तो प्योर वाटर का जो डेंसिटी होता है वो वन होता है प्योर वाटर का मोलरिटी कितना होता है पचपन ठीक है बी चलो नेक्स्ट डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर एक एक ग्राम पर एम नहीं चलिए बारवा यूनिट ऑफ मोलालिटी भाई का बोलो मोलालिटी का यूनिट क्या होगा मोलालिटी का यूनिट क्या होगा बारवा नंबर क्वेश्चन मोलालिटी का बारह का बारह का नंबर देके भेजना तो बारह का ये मोलारिटी है मोलारिटी है मोलालिटी का पूछ रहे हैं हाँ मोल पर के जी मोल पर के जी भाई में के जी आ जाता है मोलारिटी रहता तब जाके ये होता ये हो जाएगा मोल पर के जी नहीं चलो थर्टीन नंबर रेंज ऑफ मोल फ्रैक्शन दूर बहुत आसान याद है ना मो, मोल फ्रैक्शन का रेंज जीरो से बड़ा जीरो से बड़ा लेकिन एक से छोटा डी नंबर हो जाएगा जीरो से बड़ा एक से छोटा ठीक है ना तो कभी जीरो के बराबर ना तो कभी एक के बराबर मोल अंश हमेशा जीरो से बड़ा होता है एक से छोटा होता है अच्छा निम्नलिखित में से कौन मात्रक हीन है किसका मात्रक नहीं होता है मोलरिटी का मोलिटी का मोल फ्रैक्शन का किसका मात्रक नहीं होता है नंबर आप लोग आंसर दीजिए फोर्टीन सी बिल्कुल सही इसका तो मात्रक होता है रे मोल पर लीटर इसका मात्रक मोल पर केजी है ना लेकिन हाँ मोल अंश में क्या होता है ऊपर भी मोल नीचे भी मोल ठीक है मोल मोल कट जाता है तो मोल अंश जो है वो राशि है चलो मौल, इसमें वॉल्यूम था अच्छा नॉर्मलिटी ठीक है ये इस, इस सब में क्या था भाई वॉल्यूम था तो ये टेम्परेचर पर निर्भर करता था टेम्परेचर का गुलाम था तोतला भाई में मास था मोल फ्रैक्शन में मास था तो ये सब आपका टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करता है तो क्या पूछता है कि निम्न में से कौन सांद्रण ताप पर निर्भर नहीं करता है तोतला भाई मास होता है मास टेम्परेचर पर निर्भर ही नहीं करता है तो तोतला मोलालिटी जो है ना वो टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करता है पर पर निर्भर नहीं नहीं करता करता है 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 मोल फ्रैक्शन भी ठीक ये सब वॉल्यूम खड़ा ये दोनों अब वॉल्यूम किस पर खड़ा है टेम्परेचर पर अगर टेम्परेचर हिला ग्राउंड फ्लोर हिला तो पूरा हिलेगा ठीक है जैसे जैसे हिलेगा वैसे वैसे ये भी हिलेगा तो ताप पर निर्भर नहीं करेगा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अगला बताओ इन द फॉलोइंग दिच कंसंट्रेशन डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर कौन टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा तो आप समझ रहे हो कि कैपिटल एम और कैपिटल एन ये सब डिपेंड करेगा तो मोलारिटी आंसर हो जाएगा नहीं ए नंबर को दिक्कत निम्नलिखित में से कौन ताप पर निर्भर करता है तो ताप पर निर्भर ये दोनों करेगा ताप पर छोटकी एम तो भाई अब मोल फ्रैक्शन नहीं करेगा चलिए अगला इक्विवेलेंट वेट ऑफ एस्ट्रोसोपोर खटाक से निकाल दो इक्विवेलेंट वेट निकालने का तरीका हम क्या बताए थे ऊपर में मोलर मास रख दीजिए और नीचे में या तो आगे वाले का चार्ज या तो पीछे वाले का चार्ज मोलर मास निकाल लो एक एच का वन तो दो एच का दो सल्फर का हो गया बत्तीस एक ओ का सोलह तो चार का हो गया चौंसठ सबको जोड़ोगे नाइनटी एट आ गया मोलर मास और या तो आगे वाले का चार्ज या तो पीछे वाले का चार्ज एक एच पर होता है प्लस वन तो दो एच पर हो जाएगा क्या भाई प्लस टू तो प्लस टू का मान हो जाएगा टू यानी तो फिर पीछे वाला का भी चार्ज ले सकते हो एसओ फोर पर माइनस टू होता है माइनस टू का मान टू उनचास राइट आंसर इज फोर्टी नाइन इक्विवलेंट वेट निकालने का यही तरीका है जो भी मोलर मास रहेगा उसको ऊपर या तो आगे वाले का चार्ज या तो पीछे वाले का चार्ज चलिए 18वां नंबर क्वेश्चन इक्विवेलेंट वेट ऑफ CH3COH तो इसका मोलर मास कहां रख दोगे ऊपर कार्बन का होता है 12 प्लस हाइड्रोजन का 3 फिर 12 फिर 16 16 32 फिर कितना एक है ना तो कितना हो जाएगा रे 12 3 15 इधर 16 हो जाएगा ठीक है 16 बारह तीन और फिर इधर बारह सोलह दो न बत्तीस ठीक है ना बारह बारह चौबीस चौबीस और चार अट्ठाईस और अट्ठाईस अब साठ हो जा रहा है क्या साठ हो रहा है और ये तो आपको कार्बोक्सैली एसिड है हम आपको बताए थे कि अगर आपको कार्बोक्सैली एसिड मिल जाए तो कार्बोक्सैलिक एसिड का हमेशा वैलेंसी फैक्टर कितना होता है वन हमेशा ये एक ही एच प्लस देगा तो इसका चार्ज कितना हो जाएगा प्लस वन माइनस वन तो इसका वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा वन तो साठ बटा एक का मतलब हो जाएगा साठ साठ आया क्या आप लोगों का हाँ साठ वेरी गुड ओ सॉरी सॉरी साठ है ना चलिए अब ये वाला बना के हमको जो है ना कमेंट बॉक्स में डाल देना क्योंकि बहुत आसान है आप जान रहे सौ बटा दो पचास आ जाएगा ठीक है हम इसे निकल गया मुझे बहुत बार ऐसा होता है होमवर्क देते हैं या फिर पता चला हम ही बोल दिए तो इसका दर, अगर तुम मोलर मास निकालोगे तो सौ और या तो आगे वाले का चार्ज बेटा मांगे कार स्कूटर बापरा जी का चार्ज दो होता है या तो सी का चार्ज दो ये पचास हो गया खत्म करो खेल चलो कोई बात नहीं आगे आओ हाँ ये वाला देखो अच्छा क्वेश्चन है ऐसा ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है मोलरिटी है कि तो तो कितना है बाबू बोलो तो तीन ठीक है अब बैलेंसी फैक्टर या तो आगे वाले का चार्ज या तो पीछे वाले का चार्ज पीछे वाले का चार्ज देखो कितना माइनस टू माइनस टू का मान हो गया टू खत्म क्वेश्चन n is equal to mx से बनाना s equal to mx n is equal to mx n is equal to mx ठीक है समझ में आ रहा है यस सर यस सर चलो बहुत अच्छा वेरी गुड वेरी गुड चलिए नेक्स्ट एक्सिस्ट नंबर नॉर्मलिटी ऑफ 4m एक्वा स्वॉल्यूशन ऑफ ca से उतरिए वाला तुम लोग बना के दिखा दो तुमको सर आपके क्लास में पढ़ने में बहुत मजा आता है कुमार चलिए बहुत अच्छा वेरी गुड तो आंसर भी मना दो बाबू बिल्कुल सही वेरी गुड ठीक है हमको है ना, तो ट्रिक क्या है? N वाले का चार्ज ये देखो सी है ना बेटा मांगे कार स्कूटर उसका कितना होता है चार्ज दो तो आठ राइट आंसर इज एट बाईसवा नंबर वट इज द मोलरिटी ऑफ एक्वा सोल्यूशन ऑफ यूरिया ये ऐसे तो बोर्ड का

ये बार बार आपका बोर्ड में पूछा हुआ हुई है अच्छा हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते थे क्वेश्चन बैंक में तो आप याद करिए बनाए थे कई बार तो बताइए किसका कितना होगा ठीक है और ये वाला क्वेश्चन में फॉर्मूला थोड़ा सा याद रख लेना हम लोग सब प्रूफ किए थे लेकिन इस क्वेश्चन के बहाने एक बार रिविजन हो गया ग्राम पर लीटर बाय मोलर माश चलिए ये वाला बताइए क्या बोलता है भाई जरा देखें तो क्वेश्चन दो ग्राम एन है ठीक है दो ग्राम एनओ और ये दो सौ एम विलियन में है तो मोलरिटी निकालना है ना तो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट तो एन घुलेगा पानी में जाकर तो एन जो घुलता है वही सॉल्यूट है तो यही हमारा सॉल्यूट है तो मास ऑफ सॉल्यूट ऊपर में चला जाएगा बाय मोलर मास मोलर मास निकालने के लिए सारा द्रव्यमान संख्या जोड़ दीजिए तो तेईस सोलह और एक तेईस सोलह उनचालीस एक चालीस ठीक है बटा इंटू थाउजेंड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना बना है दो ये जाएगा कितना से ये इसे कटा दो दो ये पांच से कटेगा ये आठ से कटेगा एक बटा चार मतलब जीरो पॉइंट टू फाइव आ रहा था क्या जीरो पॉइंट टू फाइव हम्म चलिए अगला क्वेश्चन अच्छा एनटीपी पर एक मोल गैस का वॉल्यूम कितना होता है तुम ही लोग बता दो एनटीपी पर एक मोल गैस का वॉल्यूम कितना होता है एनटीपी पर जो हलवा वाला पूछ दिया है नहीं

तो शुगर और पानी दोनों मिला हुआ होगा शरबत में जिसमें कि चौंतीस दशमलव दो ग्राम जो है शुगर है अगर घटा दीजिएगा तो दो सौ ग्राम आपका निकल जाएगा पानी पानी का मतलब हो गया सॉल्वेंट चलिए अगर आपको मोलालिटी पूछा होगा तोतला भाई तो सबसे पहले ऊपर में मास ऑफ सॉल्यूट तो सॉल्यूट हमारा चीनी हो गया तीन और बटा मोलर मास तो चीनी का मोलर मास कितना होता है तीन फॉर्मूला यही है जो सॉल्यूट का मास हुआ यहाँ बाय मोलर मास मोलर मास हो गया नीचे ठीक है और इनटू अगर ग्राम में होगा तब एक हजार बाई मास कितना दिया हुआ है 200 तो ये आपका कटेगा कटेगा 10 से ये कटेगा 5 से ये 5 5 का मतलब हो गया हमको लगता है 5 बटा दस जीरो बी आ रहा था क्या बी चलो देखो तुम लोग पहले बना देता है वेरी गुड अगला विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट इफेक्टेड बाय टेम्परेचर अच्छा इसमें से आपको बताइए कि कौन ऐसा है जो टेम्परेचर के द्वारा प्रभावित नहीं होता है मतलब टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करता है बता दीजिए फटाफट यस यस वेरी गुड मोलैलिटी भी और मोल फ्रैक्शन भी ठीक है बी और सी दोनों डी हो जाएगा क्योंकि मोल फ्रैक्शन भी टाप पर निर्भर नहीं करता है तो यहां दोनों ऑप्शन में दे दिया था आपको और डी ऑप्शन में बोलता है कि बी और सी दोनों तो ये वाला होगा ना डी होगा चलिए मजा आ रहा है तो अच्छी बात है वेरी गुड इन दॉलोइंग प्रॉपर्टी गुण कौन है का सापेक्ष है है सब है सब 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 जी आइए नंबर क्वेश्चन यही ये यह वाला जो हम बताए थे आपको अट्ठाइस में अगला विच ऑफ द्वालिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सोल्यूशन प्रॉपर्टी कौन है है परासरण है परासरण दाब एक्चुअली है चलिए उन्तीसवा नंबर क्वेश्चन च ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी चलिए आप पहचानिए इसमें कि कौन क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है चल फटाफट बता दो उन्तीस का बताइए कौन क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है बी नंबर यस ये क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है बाकी ये तीनों तो है चलिए थर्टी प्रेशर इज वाष्प दाब परिभाषित होता है लो टेम्परेचर पर हाई टेम्परेचर पर इक्विलिब्रियम पर कहाँ पर वाष्प दाब कहाँ पर परिभाषित होता है जरा बता दीजिए वाष्प वाष्प दाब, दाब पर परिभाषित होता है सर आप जियो हजारों साल और एक साल में हो दिन अरे बाप रे बाप मतलब हजार गुना <laughs> हजार अनिकेत तो जबरदस्त दुआ दे रहा है तुम चलो वेरी गुड साम्य अवस्था पर वासुदा परिभाषित होता है ना साम्य दाब पर परिभाषित होता है वासुदाब चलिए आई चलो शुक्र है भाई हमको लगा कि बूढ़े ऑफ हो गया चलिए ये सब तो हो गया है तीस पे पहुंच गए थे ना हम लोग इधर ही कहीं पर थे हम्म 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 पेपर पे साम्य अवस्था पर होता है चलिए वेपर प्रेशर इज ग्रेटर किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है सोल्यूशन ऑफ नन वोलाटाइल अवास्पील विलय का सॉल्वेंट का नन वोलाटाइल सॉल्यूट का या नन ऑफ दिस किसका वाष्प दाब ज्यादा होता है आपको यह बताना है इकतीसवा नंबर क्वेश्चन किसका वाष्प दाब ज्यादा होता है बताओ सॉल्वेंट का बिल्कुल सही जिसको नॉट कहते थे हम लोग नेक्स्ट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर प्योर वाटर का वेपर प्रेशर 100 डिग्री सेल्सियस पर कितना होता है वन ए भी बोल सकते हो सात सौ साठ एम एम ऑफ एच जी भी बोल सकते हो दस पर पावर पाँच पास्कल भी बोल सकते हो तो अगर तुम शुद्ध पानी ले लेते हो उसको हंड्रेड डिग्री सेल्सियस पर अगर गर्म करते हो तो उसका भेपर प्रेशर या तो वन ए या तो सात सौ साठ एम एम ऑफ एच जी या छिहत्तर सेंटीमीटर ले लो या दस पर पावर तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नहीं तो हंड्रेड डिग्री सेल्सियस पर वेपर प्रेशर जो वाटर का होता है वो तीनों सही है तो राइट आंसर हो जाएगा डी चलती है अरे बाबा देखना मेरा लिखने वाला कहां गया जी अच्छा चलो तब तक ये वाला आंसर दो तो आप बोलता है कि इन द फॉलोइंग विच इज करेक्ट फॉर्मूला ऑफ लोअरिंग इन वेपर प्रेशर तैतीस का कौन सा देना चाह रहे हो आप लोग तैतीस का ए सी यस लोअरिंग इन वेपर प्रेशर वास्दाप का अवनमन वास्दाप कितना कम हुआ इसका फॉर्मूला था पी नॉट माइनस पी एस पी नॉट माइनस पी एस पी नॉट माइनस पी एस ये वाला फॉर्मूला था ठीक है चलिए इन द फॉलोइंग विच इज करेक्ट फॉर्मूला ऑफ रिलेटिव तो वास्ब का जो अवनमन है ना उसको तुम आपको अब, अब आपको उसको रिलेट करना पड़ेगा उसको किसी ने किसी के साथ संबंध आपको दिखाना पड़ेगा ठीक है तो निम्नलिखित में से कौन वास्वदाब के सापेक्ष का सत्य अवनमन है इसको किसी के साथ तुलना करोगे तब ना रिलेटिव का लाइसेंस मिलेगा चलो ये वाला फॉर्मूला ये वाला फॉर्मूला ये, ये वाला कौन सा सही लग रहा है आपको चौंतीस का बताइए बी यस वेरी गुड बहुत अच्छा नॉट माइनस बाय पीएस नॉट अभी तुरंत रिविजन किया है यार मस्ती के साथ कितना आसान है केमिस्ट्री की के मत पूछो मस्ती के साथ पढ़ो आ आ गया चलो बोलता है कि ऑन मिक्सिंग नन भोलाटाइल सॉल्यूट जब हम लोग नन भोलाटाइल सॉल्यूट को मिलाते हैं अवास्पशशील विलय को जैसे कि चीनी सबको तो विलायक के साथ मिलाते हैं तो विलियन का दाब इतना हो जाता है अच्छा विलियन का दाब विलियन विलियन का दाब का मतलब पीएस पीएस कितना हो जाता है 700 सौ ठीक है तब वाष्प दाब का सापेक्ष अवनमन होगा सापेक्ष अवनमन का मतलब हो गया कि वो आर एल वीपी पूछ रहा है आर एल वीपी का फॉर्मूला होता है पी नॉट माइनस पी एस बाय पी नॉट अच्छा पी नॉट तो हो गया शुद्ध शुद्ध जल जल का सुद्ध जल का वाष्प दाब सात सौ साठ होता है तो सात सौ साठ रख दो सोल्यूशन का वाष्प दाब विलियन का वाष्प दाब देखो सात सौ दिया हुआ है सात सौ रख दो अब बटा सात सौ साठ क्योंकि फिर से पी नॉट रखना है शुद्ध जल का सात सौ साठ तो सात सौ साठ में सात सौ गया तो साठ बटा सात सौ साठ जीरो जीरो कट गया दो से कटा दीजिए दो तीन छह अड़तीस तीन बटा अड़तीस राइट आंसर हमको लगता है बी ही दिख रहा है तीन बटा अड़तीस है क्या थ्री बाई थर्टी एट हाँ बी नंबर वेरी गुड चलिए अब ये वाला आप लोग बना के हमको भेज दीजिएगा कमेंट बॉक्स में क्योंकि सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है ठीक है अब इसमें बस एक्स्ट्रा क्या कह दिया बोलता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट तो नहीं निकल जाएगा जी एकदम खट से निकल जाएगा देखो अच्छा चलो यहीं पर बना देते हैं नन वोलाटाइल सॉल्यूट को मिला रहे हैं तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना हो जा रहा है छह सौ साठ एम एम एफ एच जी इतना हो रहा है तो बोलता है कि मोल फ्रैक्शन बताइए सॉल्यूट का तो रॉल्स ने कहा था कि आर एल वीपी ही सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है तो जो तुम आर एल वी पी निकालोगे ना वही सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के बराबर होगा तो आर एल वी पी निकाल लो पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नोट पी नोट तो हमेशा सात सौ साठ ही होगा ना क्योंकि शुद्ध जल है तो सात सौ साठ माइनस सॉल्यूशन का कितना दिया हुआ है छ सौ 660 सौ साठ है सात सौ सात में छ सौ साठ गया तो एक सौ बटा सात सौ साठ जीरो जीरो खत्म हो गया ठीक है दस बटा छिहत्तर मतलब 5 बटा अड़तीस 5 बटा अड़तीस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट विले का मोल अंश होगा कोई हो नहीं लग रहा है सही रे सही बनाया ना हम हंड्रेड बटा सात सौ साठ में 660 सौ साठ गया तो हंड्रेड बटा सात सौ साठ हुआ दस बटा छिहत्तर तो दो से कटाएगा तो पांच बटा अड़तीस हो जाएगा ना इसमें डी आ रहा है आप लोगों का क्या फाइव बाय थर्टी एट डी आ रहा है हमको भी लग रहा है यस 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 क्या कि टेन बाय सेवेंटी सिक्स तो तुम्हारा हो गया दो से भी कटाओगे तो पांच बटा अड़तीस हो जाएगा है ना फाइव बाय थर्टी एट हो जाएगा इसका रही आंसर चलिए थर्टी सेवन अच्छा क्या कहता है अकॉर्डिंग टू रॉल्ट पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नियम के अनुसार प्रत्येक पदार्थ का आंशिक दाब समानुपाती होता है किसके Ralt ने अपने नियम में क्या बोला था प्रत्येक पदार्थ का जो आंशिक दाब है वो किसके समानुपाती होता है सैंतीस का जल्दी से भेजो हमको आंसर यस मोल फ्रैक्शन यस 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 बहुत अच्छा वेरी गुड वेरी गुड यस प्रत्येक पदार्थ का आंशिक दाब जो होता है वो उसके मोल अंश के समानुपाती होता है राइट आंसर हो जाएगा सी चलते हैं 38. हैं अगला क्वेश्चन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट हाई हाई माउंटेन हम लोग जानते भाई माउंटेन में पर्वत पर्वत मतलब जब पे चढ़ते हैं ना तो वहां इसलिए घट जाता है क्योंकि वहां का वायुमंडली दबाव घट जाता है जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट घटता जाता है इसलिए क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट उसी ताप को कहते हैं जिस ताप पर वो गैस बन जाएगा मतलब उसका दबाव वायुमंडली दबाव के बराबर हो जाएगा तो जब वायुमंडली दबाव ही घट जाएगा तो फिर जो है टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर हमको वायुमंडली दबाव के बराबर करना था वो टेम्परेचर भी तो घट जाएगा इन दिच इज करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ रोल्ट लॉ आपके पास चार ऑप्शन है बताइए इसमें कौन रोल्ट लॉ का करेक्ट ऑप्शन है ठीक है तो स्मॉल पी एज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स बी पीबीज टू ये पी एज इक्वल टू ये इस चारों में से सही कौन है रॉल्ट के लिए सही कौन है बताइए यस 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 बहुत अच्छा वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड हाँ बिल्कुल सही इस पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए चलिए नेक्स्ट चालीस अच्छा अब आपको स्लोप बताना है ग्राफ का पीटी और एक्स बी पीटी और एक्स बी के बीच में जो ग्राफ खिंचवाए थे उसका आपको जो है स्लोप बताना है क्या ये वाला हो जाएगा बताओ आप लोग ग्राफ खींचे थे एक बार थोड़ा सा हम बता देते हैं जल्दी तुरंत 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 देखो किसके किसके बीच में पीटी और एक्स बी तो फॉर्मूला था पी इज इक्वल टू पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी है ना अच्छा इसके बीच में ग्राफ खींचना है तो इसको बदल दो इसको बदल दो तो पी टी इज इक्वल टू लिखते थे पी नॉट ए एक्स ए को लिख दो वन माइनस एक्स बी प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी ठीक है क्यों क्योंकि हम लोग जानते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का मोल फ्रैक्शन जोड़ने के बाद एक आता है अगर सॉल्यूट का निकालना है तो एक सॉल्वेंट का घटा दो सॉल्वेंट का निकालना है तो घटा दो बी का घटा तो दो एक बी तो तो के बीच में निकालना है ना पीटी और एक्सबी के बीच में निकालना है तो इसलिए पीटी इज इक्वल टू लिखते थे इसको गुना कर दीजिए पी नॉट ए फिर इसको गुना कर दीजिए तो माइनस पी नॉट ए इंटू एक्स बी होता था एक्स बी कॉमन ले कॉमन लो. तो ले लोगे तो PT हो जाएगा, इस दोनों में कॉमन ले लोन तो ले लेते, ले ले लेते हैं तो यहां बचेगा पी नोट बी माइनस पी नॉट ए पी नोट बी माइनस पी नॉट ए क्या बोलते हो प्लस पी नोट ए पी नॉट ए जो कि इधर लिखा हुआ था उसको उधर लिख दिए अब देखो ये वाईल टू एम एक्स प्लस सी पर आ गया बिल्कुल आ गया वाई इज इक्वल टू एक्स XB, XB. प्लस वाले को पहले लिख दिए माइनस नाईज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाईज टू एम एक्स प्लस सी और हम आपको बता चुके हैं कि वाई इज इक्वल टू वाईज टू एम एक्स प्लस सी और वाईज टू एम एक्स प्लस सी से मिलता जुलता सारा का सारा समीकरण आ, सा, सारा का सारा समीकरण का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है अगर स्लोप प्लस हुआ तो फायरिंग ऊपर अगर स्लोप माइनस हुआ तो फायरिंग नीचे और यही तो होता था स्लोप ठीक है यही तो होता था स्लोप पी नोट बी माइनस पी नोट ए पी नोट तो अगर पी और पीटी और एक्स के बीच में ग्राफ खींचना है तो वही चीज आगे होता था अब पी नोट बी माइनस पीओ मतलब माइनस ए है ना पी नोट बी माइनस पी नोट ए ये हमारा स्लोप हो जाता था ऐसे भी निकाल सकते हो अगर आपको खट से बनाना है तो देख लो कि बी है ना तो बी माइनस ए बी माइनस ए ठीक है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई ये वाला सी नंबर क्या आप लोग बना पाए थे फोर्टी का थर्टी सिक्स का ए तो हम लोग कौन सा मारे थे थर्टी सिक्स का नह, इसका डी हो रहा था क्योंकि हमको पूछा था मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट ना तो आर एल बी पी जो है डायरेक्ट सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के बराबर होता था तो इसमें 760 सौ साठ माइनस छह सौ साठ करोगे बटा सात सौ साठ तो हो जाता था एक सौ बटा सात सौ साठ ठीक है एक सौ बटा सात सौ साठ मतलब दस बटन डी ही होगा नहीं अब तो केमिस्ट्री का धुआं धुआं उड़ेगा वाह <laughs> चलो वेरी गुड ये हो गया अच्छा स्लोप ऑफ हाँ ये तो हो गया बी माइनस ए और अब चलिए अगला अच्छा

ठीक है नि निगेटिव डेविएशन का इथेनॉल प्लस एसीटोन था बेंजीन प्लस एसीटोन था वाटर इथेनॉल वाटर मेथेनॉ ए सी था एसीटोन क्लोरोफॉर्म बेंजीन और क्लोरोफॉर्म ठीक है ए और एक बी और सी याद रख लीजिएगा वाटर प्लस एस वाटर प्लस एन ठीक है तो बोलता है कि इन द फॉलोइंग विच इज करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ आइडियल सोल्यूशन बताइए आइडियल सॉल्यूशन का इसमें से कौन एग्जाम्पल है बेंजीन हेक्सेन वाटर सी एस सीओ थ्री बेंजीन टॉलवीन वाटर एस सी एल बताइए चार ऑप्शन में से कौन आदर्श विलियन है जो मम्मी पापा का कहना माने वो आदर्श बच्चा जो रॉल्ट नियम का कहना माने वो आदर्श विलियन सी नंबर बहुत अच्छा वेरी गुड वेरी गुड बहुत अच्छा यस बेंजिन और टॉलवीन बेंजिन टॉलवीन बेंजिन टॉलवीन आदर्श विलियन था जो रॉल्ट नियम का कहना माने वो आदर्श विलियन ये था ऑप्शन में है ना सॉरी ये होगा करेक्ट ठीक है अच्छा इन द फॉलोइंग विच इज करेक्ट फॉर नन आइडियल सोल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन पॉजिटिव देख नन आइडियल सोल्यूशन में तो रॉल्ट नियम का कहना नहीं मानेगा डेल्टा भी जीरो के बराबर नहीं होगा या तो प्लस में भागेगा या तो माइनस में तो बोलता है कि कौन सही है धनात्मक विचलन के लिए धनात्मक विचलित अनादर्श विलियन के लिए कौन शर्त है धनात्मक विचलित सोच के बनाना बाबू गलती नहीं डेल्टा भी क्या जीरो होगा जीरो से बड़ा होगा जीरो से छोटा होगा कौन सा बोलना चाहते हो आप लोग बी नंबर वेरी गुड डेल्टा भी जीरो से क्या होगा बड़ा होगा डेल्टा जीरो से बड़ा का मतलब धनात्मक होगा अगला इन द फॉलोइंग विच इज विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन आइडियल सोल्यूशन विद निगेटिव रेविएशन मतलब समझ रहे हो ना ये वाला इसका कौन सा एग्जाम्पल है चलिए बताइए बेंजिन डॉलविन एसी ए सी टॉन क्लोरोफॉर्म क्लोरोफॉर्म बेंजीन नन ऑफ दी चलो बता दो फटाफट अरे दो दो दे दिया है इसमें निगेटिव डेविएशन है हम ही तो बोल दिए कौन कितना ऑप्शन होगा इसमें बताओ यस 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 वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड हाँ एसीटोन और क्लोरोफॉर्म भी होगा ना एसीटोन क्लोरोफॉर्म आप बेंजीन और क्लोरोफॉम भी होगा दोनों हो जाएगा आपका दो दो सही है बी और सी दोनों हो जाएगा बी और सी दोनों हो जाएगा ठीक hmm. है चलिए अगला क्वेश्चन पैंतालीस थर्टी नाइन क्या बोल रहे थे रिपीट थर्टी नाइन में क्या है रे ठीक ये वाला। नियम रे, रॉल्ट नियम पे डायरेक्ट क्वेश्चन होता है प्रत्येक पदार्थ का आंशिक दाब जो है, उसी के मोल फ्रैक्शन के समान ये तो हो गया है ये भी हो गया है आइए अब अगला इन द फॉलोइंग विच इज एन एक्साम्पल ऑफ आइडियल एडल्टोल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन पॉजिटिव डेविएशन का कौन एग्जाम्पल होगा जल्दी बताओ देख रविकांत बहुत प्यारा मैसेज रहा है अच्छा गौतम जी लाइक हो रहा है लाइक हो रहा है अंजलि भी अंजलि लाइक हो रहा है तुम पहले आंसर दो नम लाइक का सिंबल बाप रे बाप एमडी डी न सर इतना बड़का बड़का लाइक डी हाँ वाटर प्लस मिथेनॉलॉलॉल यस वाटर प्लस मिथिनलॉल वाटर प्लस मिथेनॉल वाटर प्लस एथेनॉल पॉजिटिव डेविएशन का होता था विच इज द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हाँ इसका फॉर्मूला याद रखना न्यूमेरिकल में भी काम देगा डेल्टा टीवी इज इक्वल टू टी बी माइनस टी नॉट बी डेल्टा टीवी इज इक्वल टू के बी इन टू एम बोथ ये दोनों या नन ऑफ दीज बताइए क्वनांग के उन्नयन का सही फॉर्मूला कौन है क्वनांग के उन्नयन का सही फॉर्मूला कौन सा है डी 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 बहुत अच्छा वेरी गुड डी डी किसी कौन सा लिख रहा है रे

डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इन टू एम डेल्टा टी बी का फार्मूला ताज़ा ताज़ा गरम गरम अभी पढ़े हो टी बी माइनस टी नॉट बी यही है विलियन का क्वनांग जो कि आपको निकालना है अच्छा के बी होता है जीरो पॉइंट फाइव टू कॉन्स्टेंट देखो यहाँ दिया हुआ है मोललता कितना मोलल है दस मोलल है तो गुना दस ले लो ठीक है अच्छा माइनस टी बी टी टी नोट होता है आपका टी नॉट बी होता है शुद्ध जल का क्वनांग

आप तुम लोग बता दो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टू मोलल एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज सब कुछ दिया हुआ है इस बार टू मोलल है तो सॉल्यूशन का कितना होगा, जल्दी बता दे। बिल्कुल सही बिल्कुल सही एक सौ चार दशमलव हाँ बावन दशमलव चार है ना रे तो बावन दशमलव चार तो फिफ्टी टू पॉइंट जीरो तो, पॉइंट फाइव टू सॉरी सॉरी एक सौ चार क्या point, ये वाला हमको लग रहा है। हमको लग लग रहा रहा है, है, होगा, क्यों? क्योंकि टी बी टू, अगुना ये हो जाएगा, दो तो ये तो हंड्रेड हो जाएगा उधर कर दोगे तो एक सौ प्लस हो जाएगा दोगे एक सौ चार वन पॉइंट जीरो फोर, मतलब एक सौ एक दशमलव जीरो चार हो गया नहीं चलिए नेक्स्ट उनचास विच ऑफ द विच इज द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हिमांग के अवनमन के लिए कौन सा कथन सत्य है हिमांग के अवनमन के लिए डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ एन टू एम ये भी सही लग रहा है और इसमें नॉट पहले होता है डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू टी डॉट एफ माइनस टी एफ ये भी बिल्कुल सही लग रहा है तो इस बार भी हो जाएगा ए और बी दोनों क्या बोलते हो ए और बी दोनों यस yes, यस yes. चलो नेक्स्ट फ्रीजिंग ये वाला आप लोग फ्रीजिंग पॉइंट का क्वेश्चन है आप बना के हमको जो है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा हो जाएगा इस बार फ्रीजिंग पॉइंट निकालने के लिए कहा है या हम बना दें हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा बहुत अच्छा वेरी गुड वेरी गुड चलिए बहुत अच्छा वेरी गुड ठीक है आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालना ठीक है विच ऑफ द फॉलोइंग चला सुड इधर ये वाला क्वेश्चन बहुत पूछता है हम आपको क्या बोले थे चार बीमारी एक इलाज वो पूछे कि क्वनाक में उन्नयन किसमें ज्यादा है हिमांक में अवनवन किसमें ज्यादा है क्वनाक किसमें ज्यादा है ठीक है और हिमांक हिमांकमें कम है ये सारा क्वेश्चन का आंसर एन से निकलता था जिसका एन ज्यादा होगा वही सब कुछ ज्यादा होगा तो एन निकालने के लिए देखो एन ए वन है और लास्ट वाले दो को एक मान लेना है तो वन तो इसमें एन इज इस इक्वल टू तो हो गया वन प्लस वन टू वन प्लस वन टू अच्छा इसमें एन देखो लास्ट वाले दो को एक मान लेना है तो वन और टू एन इज इक्वल टू हो गया थ्री अच्छा लास्ट वाले दो को एक इसमें दो है तो इसको भी एक 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 कितना हो गया दो चूंकि चार एटम था ना तो पहला दोनों भी एक हो जाएगा लास्ट दोनों भी एक हो जाएगा और के एन ओ थ्री एक एक दो बोलिए किसमें क्वनांक सबसे ज्यादा होगा बताइए ए बी सी डी कौन सा बी नंबर जिसमें एन ज्यादा होगा उसी का क्वनांक ज्यादा होगा ये आई डेल्टा टीबी टू आई इंटू के बी एम से आ गया था नहीं बी नंबर चलिए नेक्स्ट बावन नंबर क्वेश्चन फॉलोइंग प्रोड्यूस मैक्सिमम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इस बार तुम लोग ये लोग बता दो कि इस चार में से कौन हिमांक में अवनबन महत्तम दिखाएगा मैक्सिमम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दिखाएगा वही एन से आंसर आएगा जिसका एन ज्यादा होगा वही होगा चल बना फटक से ए नंबर वेरी गुड लास्ट वाले दो को एक मान लेना तो दो एक तीन हो गया इसमें तो वन वन दो हो जाएगा यूरिया ऑर्गेनिक कंपाउंड वन है ग्लूकोज ऑर्गेनिक कंपाउंड वन है तो राइट आंसर इज ए वेरी गुड फिफ्टी थ्री च ऑफ द फॉलोइंग ठीक है एक्वा सॉल्यूशन शुड हैव द मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट वही बात है मिनिमम ये भी एन से आएगा चल तुम लोग बनाओ हमने बनाएंगे अब आप लोग बताओ 53 का बता दो सी बिल्कुल सही हमको लग रहा है तीन एन है और यहां टू है तो पांच इसका तो कोई जवाब ही नहीं है सी हमको नहीं लग रहा है कोई टक्कर दे पाएगा क्योंकि एन पांच आ गया था ये तो दो हो गया ऑर्गेनिक कंपाउंड वन हो गया ऑर्गेनिक कंपाउंड वन हो गया सी सही आंसर है चलो बहुत अच्छा वेरी गुड फिफ्टी थ्री का सी फिफ्टी फोर इन द फॉलोइंग विच इज करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ के बी के बी का फॉर्मूला था आर आर इज इक्वल टू टी नॉट बी का होल स्क्वायर बाय थाउजेंड इं टू एल बी आर इज इक्वल टू टी नॉट बी का होल स्क्वायर बाय थाउजेंड इंटू एल्वी सही है ये गलत आर स्क्वायर नहीं होता है टी आर इंटू टी नॉट बी का होल स्क्वायर बाय थाउजेंड इं एल भी अरे ये तो दोनों सही हो गया दोनों सही हो गया मतलब मिसप्रिंट है लेकिन ये दोनों सही फॉर्मूला हो गया और ना, 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 ना थाउजेंड इसमें कहाँ है दोनों कहाँ सही है इसमें थाउजेंड कहां है थाउजेंड तो होता है ना ये सी है सॉरी सॉरी सी सही होगा है ना आर इंटू टी नॉट बी का होल स्क्वायर बाय थाउजेंड इंटू एल बी तो सी ओनली सी चल ये वाला के एफ वाला तुम लोग पहचान लो इस चार में से बताइए के एफ का सही फॉर्मूला कौन सा है के एफ का आर इंटू टी नॉट एफ का होल स्क्वायर बाय थाउजेंड इंटू एल एफ पचपन का बी चलो बहुत अच्छा वेरी गुड बी हो गया चलो नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल सॉल्यूशन बोलता है चार में से बताइए कौन करेक्ट प्रॉपर्टी है आइडियल सॉल्यूशन का आइडियल सॉल्यूशन का कौन करेक्ट प्रॉपर्टी है या रॉल्ट नियम का पालन करता है या रॉल्ट नियम का पालन नहीं करता है दोनों या फिर नन ऑफ दीज बताइए आदर्श विलियन में कौन सा गुण होता है आदर्श विलियन में यस yes, रॉल्ट नियम का ये पालन करता है वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड ठीक है छप्पन का ए सही है अगला विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट ऑस्मोटिक प्रेशर पाइज इक्वल टू सी आर टी पाइज इक्वल टू सी टी बी आर पाइज टू आर सी बाई टी पाइज इक्वल टू आर टी बाई सी सेमिलर ठीक है थीके? तो इस चार में से बताइए कौन परासरण दाब का सही एक्सप्रेशन दिखाता है बता दो परासरण दाब का 57 का ए बहुत अच्छा वेरी गुड पाइज इक्वल टू सी आर टी या पाइज इक्वल टू एम आर टी जो बोलना है अगला इन ऑस्मोसिस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अलाउ टू पास अर्ध झिल्ली से परासरण की क्रिया में निकल पाते हैं वो जो परासरण परासरण प्रक्रिया पर में जो तुम अर्ध पराम झिल्ली लगाता था उससे कौन पास करता था चीनी पानी सॉल्यूट सॉल्वेंट सब पास करता था या पर्टिकुलर कौन पास करता था बताइए कौन सब पास करेगा या कोई खास ही पास करेगा विलय का अनु विलायक का अनु जटिल सरल कौन पास करेगा बी नंबर बी नंबर मस्त आंसर आ रहा है सॉल्वेंट का अनु वेरी गुड चलिए तो अंठावन का हो गया अब चलते हैं नेक्स्ट ओह मस्त क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन तो बहुत पूछता है वही वाला पराशन दाब वाला पूछा है बोलता है एक सॉल्यूशन है पांच परसेंट केन सुगर है एक परसेंट पदार्थ एक्स का ये दोनों सम परासरी है, है ना सरकरा मतलब चीनी का पांच प्रतिशत घोल एक्स का इतना के साथ क्या है सम परासरी है तब एक्स का अनुभार निकाले इसका ट्रिक हम आपको बता दिए बाबू कि जहां पर भी दो विलियन के बारे में बोले कि सम परासरी है परसेंटेज दे दे तो पहला का परसेंटेज ठीक है बाय दूसरे का परसेंटेज तो पहला का परसेंटेज कितना हो गया पांच दूसरे का परसेंटेज कितना है एक देख लो यहां पांच परसेंट दूसरा ठीक है इज इक्वल टू फिर दोनों का मोलर मास का अंतर ले लो तो पांच परसेंट चीनी का था चीनी का मोलर मास होता है तीन सौ बयालीस है ना और इसका मोलर मास हमको निकालना है तो मान लीजिए एक्स पांच एक्स इज इक्वल टू तीन सौ बयालीस पांच एक्स इज इक्वल टू तीन सौ बयालीस एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा तीन सौ बयालीस बचा आठ मतलब अड़सठ दशमलव चार यही था यही ना आता था, था जी यस सर यस सर यस सर चलिए बहुत अच्छा वेरी गुड आजा अगला अब ये ये वाला तुम लोग बना के दिखाओ एक दस परसेंट सोल्यूशन है ग्लूकोज का ग्लूकोज का मोलर मास आप जानवे करते हो एक सौ अस्सी होता है और ये सम परासरी है दूसरा विलियन के साथ जिसका परसेंटेज है दो और वो पदार्थ है एक्स तो बताइए कितना होगा इस एक्स का अनुदर्भिमान कितना होगा फटाफट बता दो कल जनरल प्रिंसिपल का कर दें अच्छा देखते हैं कोशिश करते हैं जनरल प्रिंसिपल का वन शॉर्ट कर देते हैं पूरे, पूरे हाँ ठीक है पूरे सिलेबस का भी जो है ना ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे देंगे डी छत्तीस आ रहा है देख लेते हैं परसेंटेज बाय परसेंटेज वन बाय परसेंटेज टू दस और बाय टू एक सौ अस्सी अब बटा एक्स हो जाएगा यही ना तो एक जोर एक जोर कटा ही दो तो एक्स इज इक्वल टू तो अठारह बिल्कुल सही आंसर वेरी गुड चलिए एक नंबर क्वेश्चन अच्छा ये वाला हाँ 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 ठीक 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 ऐसे भी ये वाला बनाए ही हैं हम लोग ठीक है चलो फिर से एक बार बना लो बोलता है एक सॉल्यूशन जिसका परासरण दबाव इतना है परासरण दबाव का मतलब आपको पाई दिया हुआ है का मतलब पाई दिया हुआ है ऑस्मोटिक प्रेशर दिया हुआ है एट थ्री हंड्रेड कैलवीन मतलब टेम्परेचर तो कितना होगा सी निकालना है आपको परासरण दबाव दिया हुआ है मतलब पाई दिया हुआ है टेम्परेचर भी दिया हुआ है सी निकालना है हो पाएगा आप लोगों से बिल्कुल सर बिल्कुल सर और अभी मतलब हमको लगता है कि सात आठ मिनट और लगभग लगभग जो है पंद्रह बीस क्वेश्चन और होगा धड़ाधड़ खत्म कर देंगे हम लोग बन जाएगा यस 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 बिल्कुल सही यही वाला आंसर होगा नहीं नहीं ये वाला नहीं जीरो पॉइंट जीरो जीरो होता था ना यही होता था कि ई नंबर आएगा रे नहीं 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 हमको लगता है चारों में से कोई नहीं होगा देखो तो एक बार कैलकुलेट यही वाला क्वेश्चन तो ईर था ना पाई इज इक्वल टू सी आर टी निकाल लो ना पाई कितना दिया हुआ है जीरो पॉइंट जीरो एट टू वन सी निकालना है आर का वैल्यू जीरो पॉइंट जीरो एट टू वन होता है और टेम्परेचर हमारा दिया हुआ है तीन सौ कैलविन तीन सौ कैलविन है ना तो ये तो पहले से कट जाएगा तो सी इज इक्वल टू हो जाएगा एक बटा तीन सौ नहीं कुछ बताया वन और थ्री हंड्रेड को इधर कर दो तो जब कटाओगे तो ऐसे तो कटेगा नहीं तो दशमलव दस्म, देना पड़ेगा तो एक जीरो ठीक है तो फिर से आपको एक जीरो देना पड़ेगा तब जाके एक जीरो आएगा जीरो पॉइंट जीरो थ्री हाँ ये वाला सही लग रहा है नहीं डी सही होगा क्या हाँ डी 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 या दो बार जीरो आना चाहिए क्या रे वन बाय थ्री हंड्रेड है देख लो वन बाय थ्री हंड्रेड है डेसीमल डेसिमल दिया ठीक है कटेगा तो नहीं ऐसे डेसिमल दिया जीरो फिर यहां पर जीरो दिया ओ अभी भी नहीं कटेगा जीरो सॉरी 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 ये आएगा अभी भी नहीं कटेगा ई नंबर जीरो पॉइंट जीरो जीरो थ्री थ्री होगा दो बार जीरो आएगा यही वाला गलत था यस 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 वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड हाँ हाँ हा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलो ये वाला बता प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर किसका उदाहरण था प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर किसका उदाहरण था फटाफट जल्दी बोल दो जल का जो शुद्धिकरण था वो किसका उदाहरण होता था जल का शुद्धिकरण किसका उदाहरण था फटाफट बताइए आप लोग जल का शुद्धिकरण किसका उदाहरण था

सॉल्वेंट का सॉल्वेंट सौ, से सॉल्यूशन की तरफ जाने लगता था इस घटना को हम लोग कहते थे परासरण लेकिन डिफ्यूजन क्या होता था भाई डिफ्यूजन डिफ्यूजन में देखो हम लोग क्या करते थे इधर लेते थे प्योर सॉल्वेंट इधर लेते थे सॉल्यूशन है ना अब बीच में कोई ही एसपीएम एसपीएम नहीं लेते हैं बस ऐसे छोड़ दो तो अगर प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन को अगर तुम बिना एस पी एम के रख दोगे तब जानिए क्या होता था ऊ भाई शहद है ठीक है गाढ़ा है ये पतला है वो ट्रक है ये साइकिल है वो तो शुक्र मनाओ यहाँ पर एस था ना इसी वजह से वो लोग फंस जाता था तो ये पानी इधर से इधर घुस जाता था लेकिन अगर यहां पर एस नहीं रहा बाबू तो इसका कोई मजाल नहीं है उससे टकराने का तो अगर प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन को अगर आप जो जो, जो है ना बिना एस के खाली अगर रख दिए एस नहीं लिए बिना एस के अगर ऐसे ही रख दिए किसको किसको प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन को तब पानी इधर से इधर नहीं जाएगा तब फिर सॉल्यूट रे सॉल्वेंट रे एटम रे मॉलिक्यूल रे कीड़ा रे मकोड़ा रे गधा रे सब सब जो है ना इधर से इधर आने लगता है इसी घटना को कहते थे डिफ्यूजन है नहीं तो विसरण में किसको कहते थे जब प्योर सॉल्वेंट तथा सॉल्यूशन को किसी बर्तन में सिर्फ रखते थे तब फिर जो है सोल्यूट सॉल्वेंट एटम मॉलिक्यूल आयन के अनु इधर से इधर आने लगता है इसी घटना को कहते थे हम लोग डिफ्यूजन उसके बाद परासरण और डिफ्यूजन में हम आपको अंतर बताए थे कि परासरण में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सिर्फ पास होता है जबकि उसमें सब कुछ पास होता है परासरण में आपको जो है आ, आ, इस अर्ध प्रामग्य झिल्ली का जरूरत पड़ेगा उसमें नहीं जरूरत पड़ेगा परासरण को रोका जा सकता है उसको नहीं रोका जा सकता है तुम क्या हाथ डाल के उसको बोलोगे अरे आइटम सब उधर जा उधर जा नहीं रुकेगा वो नहीं रुकेगा अच्छा परासरण को विपरीत भी किया जा सकता है लेकिन विसरण को विपरीत नहीं किया जा सकता है ठीक है वो डिफ्यूजन से याद आया चलो अगला विच ऑफ द फॉलोइंग एसपीएम इज नॉट रिक्वायर्ड अह अभी तुरंत बताए थे बताइए इस चार में से किसमें जो है ना इसका एसपीएम का जरूरत नहीं पड़ता है जल्दी बता दो किसमें एसपीएम का जरूरत नहीं पड़ता है डिफ्यूजन यस वेरी गुड

मात्र पंद्रह क्वेश्चन होगा लगभग लग, लगभग अच्छा फॉर डिसोसिएशन डिसोसिएशन के लिए क्या होता है i का मान एक के बराबर i एक से ज्यादा एक से कम क्या होता है डिसोसिएशन में डिसोसिएशन में क्या होता था जल्दी बताओ हाँ i का मान एक से ज्यादा होता था वेरी गुड डिसोसिएशन में i का मान एक से ज्यादा होता था चलो विच इज द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर डिसोसिएशन डिसोसिएशन के लिए कौन सही है i इज इक्वल आई माइनस इस टाइप का ई प्लस वन ये सही है या ओह हो थोड़ा घुमा के दिए हैं जब सोचो तो कौन सही है बताओ तो जल्दी से डिसोसिएशन के लिए कौन सही है जरा तुम लोग बताओ बी नंबर पकड़ लिया अरे वन को इधर कर लो वही हुआ आई इज इक्वल टू वन माइनस अल्फा इन टू वन माइनस एन तो माइनस नहीं 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 आई माइनस ये वाला सही होगा अरे तुम लोग बी दे दिया फंस गए आप लोग बहुत का बी आ रहा था बी नहीं होगा ए होगा क्यों क्योंकि आई इज इक्वल टू रुक जा रुक जा अभी भी गड़बड़ है अभी भी गड़बड़ है नहीं 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 बी ए भी नहीं होगा ये होगा आई इज इक्वल टू वन माइनस अल्फा है ना तो वन को इधर करोगे तो सी हो जाएगा रे ले ना बी हुआ ना ए हुआ सी हो जाएगा क्यों आई इज इक्वल टू वन माइनस अल्फाइन इंटू वन माइनस एन होता है वन को इधर कर दोगे तो आई माइनस वन या माइनस भी तो बचा हुआ रहेगा ना इस दोनों में तो माइनस था ही नहीं सी होगा ठीक है हाँ छियासठ का सी हो जाएगा चलो आगे बढ़ते हैं सड़सठ इन द फॉलोइंग विच इज करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर एसोसिएशन ठीक है एसोसिएशन के लिए अब कौन सही है एसोसिएशन में डिसोसिएशन में जहां जहां एन होता है एसोसिएशन में वहां वहां वन बाय हो जाता है तो आप चेक कर लो आईज इक्वल टू वन माइनस अल्फा वन माइनस वन बाय ना ये नहीं होगा आईज इक्वल टू वन ना माइनस होता है यहां पर आईज इक्वल टू वन माइनस अल्फा इंटू वन माइनस एन बाई वन बाईज टू वन माइनस अल्फा इंटू वन माइनस वन बाई एन दिस इज करेक्ट सड़सठ का डी क्या बोलते हो हाँ, तुम लोग भी पहचान लिया वेरी गुड उन अड़सठ अब चलो इसमें एक क्वेश्चन हम बना देते हैं उसके बाद आपको याद आ जाएगा आप फटाफट बना देना यानी तो फिर जो है कमेंट बॉक्स में दे देना एम जी सी एल टू बोलता है अस्सी प्रतिशत टूट जा रहा है तो आई निकालिए क्या बताए थे मैं आपको कि जैसे बोले इतना परसेंट उतना परसेंट टूट रहा है तो सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है अल्फा निकालना है अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है एक में कितना टूटा उसी को अल्फा कहा जाता है एक में कितना टूटा ये तो अस्सी जो दिखा रहा है परसेंटेज ना सौ में कितना टूटा तो अस्सी तो अल्फा निकालने के लिए आपको क्या बताए थे जो परसेंटेज दिया हुआ है इसमें सौ से भाग दे दीजिए तो एक में निकल जाएगा मतलब जीरो पॉइंट एट अल्फा निकल गया फिर एन निकाल लो एन निकालने के लिए आपको ये दोनों को जोड़ना है तो एम नहीं कुछ है तो वन है और इधर टू है टू वन कितना हो गया थ्री तो एन इज इक्वल टू हो गया वन प्लस टू तो सॉरी थ्री तो हो ही गया आई निकालना है डिसोसेसन है नरे हाँ वन माइनस अल्फा इंटू वन माइनस एन वन माइनस अल्फा जीरो पॉइंट एट वन माइनस एन एन कितना है थ्री तो वन माइनस ठीक है वन माइनस जीरो पॉइंट वन माइनस थ्री हो गया माइनस टू माइनस माइनस हो जाएगा प्लस वन पॉइंट सिक्स तो ये दोनों हो जाएगा टू पॉइंट सिक्स क्या जी हमको लग रहा है टू पॉइंट सिक्स होगा क्या बोलते हो चलो बहुत अच्छा वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड हाँ 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 चलिए चलते हैं उनहत्तर नंबर क्वेश्चन ठीक है डिसोसिएट कंप्लीटली जब पूरी तरह से टूट जाए तब आई एन के बराबर हो जाता है और एन तो आप डायरेक्टली निकाल लीजिएगा वन वन टू ढम ढम पूर्णता विकतित हो रहा है ना पूर्णता में आई एन के बराबर हो जाता है ऑन एन तो ये दोनों हो गया सत्तर नंबर क्वेश्चन क्या बात है यार ये वाला तुम लोग बनाना देखो वही वाला क्वेश्चन है आप लोग बना दोगे सेवेंटी नंबर बना के हमको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालना ठीक है सी एस सीओ थ्री नब्बे प्रतिशत विकतित हो रहा है तब आई का फॉर्मुला निकाल लेना ठीक है आई इज इक्वल टू वन माइनस अल्फा करके निकाल लेना द वॉन्ट ऑफ फैक्टर ऑफ वन एम एम जी एस ओ फोर सोल्यूशन इज वन पॉइंट एट दैन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ठीक है अब ये वाला क्वेश्चन बोलता है कि वॉन्ट ऑफ फैक्टर जो है ना आई आपको दिया हुआ है आई दिया हुआ है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना होगा अल्फा होगा आराम से निकल जाएगा वन एम एम जी ऐसा फोर सॉल्यूशन है तो एन निकाल लो देखो ऐसा नहीं कुछ है, लास्ट वाले दो को एक कर लोगे इसको भी एक कर लोगे तो वन वन एन इज इक्वल टू कितना हो गया टू अल्फा निकालना है आई इज इक्वल टू दिया हुआ है one by, one, one eight, नहीं हो जाएगा जी आई इज इक्वल टू वन माइनस अल्फा इंटू वन माइनस वन माइनस एन तो आई इज इक्वल टू वन माइनस अल्फा कितना हो गया वो अच्छा अल्फा निकालना है वन माइनस एन कितना है वन uh, और वन टू है टू तो आई कितना दिया हुआ है वन पॉइंट एट वन पॉइंट एट वन माइनस अल्फा अल्फा कितना है सॉरी अल्फा oh, निकालना है 1 -2 -1 हो गया ठीक तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस वन माइनस एट तो हमको लगता है क्या हाँ जीरो पॉइंट एट का मतलब हो गया अस्सी प्रतिशत प्रतिशत में अस्सी हो गया क्या यस 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 वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड यस वेरी गुड इसमें इसमें क्या क्या आई ही दे दिया था अल्फा पूछा था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ठीक है विघटन स्तर है विघटन स्तर आपसे पूछ लिया था हो जाएगा आराम से चलिए फिर से वही क्वेश्चन इस बार आपको दे दिया है फिर से देखो आई दे दिया है जीरो पॉइंट वन एम इतना दिया हुआ है और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन विघटन स्तर फिर से पूछा है फिर से बना दोगे आराम से तो, अच्छा ये हमारा आई दिया हुआ है है ना वॉफ गुणांक ए निकाल लेते हैं दो और एक एन इज इक्वल टू हो गया तीन अल्फा निकालना है फिर से कर दो वही वाला चीज आई इज इक्वल टू वन माइनस अल्फा इन वन माइनस एन आई दिया हुआ है टू पॉइंट सेवन फोर वन माइनस अल्फा निकालना है वन माइनस वन माइनस एन ठीक है तो वन माइनस एन कितना है रे थ्री वन माइनस थ्री हो जाएगा माइनस टू वन माइनस अल्फा माइनस टू हो जाएगा टू पॉइंट सेवन फोर हो जाएगा टू पॉइंट सेवन फोर इज इक्वल टू वन माइनस अल्फा निकालना है ये ओ सॉरी माइनस टू है ना तो माइनस वन को इधर कर दो तो वन पॉइंट सेवन फोर हो जाएगा अब फोर में ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा टू से भाग दे दोगे तो सतासी दिनों चौहत्तर एट्टी सेवन परसेंट है क्या हाँ बी लग रहा है हमको बी आया है क्या आप लोगों का एट्टी सेवन परसेंट ओहो निकाल भी दिया बहुत अच्छा वेरी गुड चलो सेवनटी थ्री कैलकुलेट द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इन टू मोलल एक्वा सोल्यूशन एनएसएल ठीक है इफ एन ए सी एल डिसोसिएट कंप्लीटली देखो ये वाला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ज्ञात करिए मतलब में उन्नयन आपको ज्ञात करना है में उन्नयन ज्ञात करना है है मतलब डेल्टा आप लोगों को निकालना है। लेकिन ये नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है ये बोल रहा है कि अगर एनएसीएल डिसोसिएट कर रहा है पूर्णतः तब जाके आप लोग डेल्टा टीबी निकालिए तो इस समय कौन फॉर्मूला लगेगा पता है डेल्टा टीबी टू के बी इन एम तो ठीक है इन आई अनुसंख्य गुण का सॉरी असामान्य अनुसंख्य गुण हो गया क्यों क्योंकि इसमें एनए टूट रहा है एबनॉर्मल प्रॉपर्टी का फॉर्मूला तो डेल्टा टी बजल टू के बी इन टू एम होता है और हम लोग जानते हैं कि जब एबनॉर्मल क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी आ गया तब फिर आई लग जाता है तो ये होगा तो आपको सबसे पहले जो है ना आई निकालना पड़ेगा अगर बोलता है कि एनए डिसोसिएट कर रहा है पूर्णतः तो जब पूर्णता होता है तो आई एन के बराबर हो जाता है तो एन ए हो गया वन और सी भी हो गया वन तो वन और वन हो जाएगा टू आई हो जाएगा आपका टू के भी हो गया जीरोलिटी टू।, टू।, टू दिया हुआ है ठीक है है देखो दिया हुआ आई इसमें लग जाएगा बाबू क्योंकि टूटने वाला बात बोल दिया जब टूटना जूटना शुरू हो गया तब तो आई लग जाएगा ठीक है दो दो न बावन चौके दो सौ आठ टू पॉइंट वन एट क्या नहीं नहीं चार हो गया इसको गुना कर गुना कर ही देते हैं चार गुना जीरो पॉइंट फाइव टू है ना तो हो जाएगा दो चौके आठ हो जाएगा पाँच चौके बीस हो जाएगा जीरो दो और दो टू पॉइंट जीरो एट आ रहा है क्या टू पॉइंट जीरो एट टू पॉइंट जीरो एट यस डी सही है चलिए सेवेंटी फोर ये वाला क्वेश्चन आप लोग जो है बना के और हमको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देना सेम टू सेम क्वेश्चन है वही एमजीसीएल टू का दस मोलल जली विलियन कांग का, का उन्नयन ज्ञात करना है यदि प्रतिशत हो रहे तो इसमें भी कौन सा फॉर्मूला लगाओगे वही वाला डेल्टा टीबी टू आई इंटू के बी इंटू एम क्या आप लोग बताइए ये वाला बना सकते हो आराम से यस 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 सर 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 वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड थोड़ा सा खुद से बना लोगे ना तो और प्रैक्टिस हो जाएगा कल देखते हैं जनरल प्रिंसिपल का होगा तो वन शॉर्ट कर देंगे ठीक है या पूरे सिलेबस का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव कर देंगे वो भी ये वाला भी वही क्वेश्चन है तुम लोग बनाना कैलकुलेट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वन मोलल एक्वा सॉल्यूशन ऑफ के सी एल इफ के सी एल डिसोसिएट कंप्लीटली ये बना दे हम या तुम लोग बनाओगे अब तो बस चार पांच तो क्वेश्चन बचा बस हो जाएगा

Molality भी दिया हुआ है दस के एफ भी दिया हुआ है 1 .86. 1 .86 और निकाल देना इंटू वन माइनस एन करके और कितना परसेंट टूट रहा है नाइनटी परसेंट टूट रहा है अच्छा ऑर्गेनिक का भी ऑब्जेक्टिव हाँ वो भी दे देंगे सतहत्तर इन कोल्ड ड्रिंक्स CO2 टू इज डिजोल्व एट हाई प्रेशर दिस इज रिलेटेड विथ अच्छा कोल्ड ड्रिंक्स में सीओ टू को हाई प्रेशर पर डाला जाता है ये किस नियम से हम लोगों के दिमाग में आया किस नियम से दिमाग में आया जल्दी बता दीजिए का यस yes, बिल्कुल सही हेनरी हेनरी ने नहीं कहा था कि जितना ज्यादा दबाव पे डालोगे उतना ज्यादा घुलेगा तो कोल्ड ड्रिंक्स में हम लोगों के जीप पर जो जलता है वो सोडा वाटर की वजह से सोडा वाटर होता है सीओ टू और पानी का मिश्रण जितना ज्यादा सी टू डाला जाएगा ना उतना ज्यादा जीप पे जलेगा तो हेनरी ने कहा था कि ज्यादा प्रेशर अगर दोगे तो ज्यादा सी टू घुलेगा तो ये हेनरी नियम से संबंधित है श्ञ! जैसे आ, ये क्या कहते हो उसका क्या कहते हो उसको बॉटल को खोलते हैं का आवाज आता है तो कैसे मतलब समझ लो कितना ज्यादा प्रेशर पे उसमें गैस भरा हुआ होता है तो ज्यादा प्रेशर दोगे तो ज्यादा सी टू घुलेगा कोल्ड ड्रिंक्स में जितना ज्यादा सी टू घुलेगा जीप पर उतना ज्यादा लगेगा तो लगेगा अरे बापे कोल्ड ड्रिंक्स पिए हैं पिए हैं तो वो हेनरी नियम से संबंधित है सत्रह का सी सॉरी सेवेंटी सेवन का सी बी 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 हेनरी लॉ अगला एजोट्रॉपिक मिक्सर ऑफ एचसीएल एंड एच टू ओ हैज आप लोग जो एजोट्रॉपिक मिक्सर पढ़े थे उसमें एचसीएल और एच टू वाला उसमें होता है क्या 48 परसेंट क्या ट्वेंटी पॉइंट या 36 या 20 यहां 22 है यहां पर 20.20 .20, मतलब 2 परसेंट uh, एचसीएल तो एचसीएल और एच टू का जो स्थिर क्वांथी मिश्रण बनता है उसमें क्या होता है एच इतना परसेंट एच इतना परसेंट एच इतना, इतना परसेंट या फिर कौन सा ऑप्शन देना चाहते हो 20.20 वेरी गुड डी नंबर ट्वेंटी ट्वेंटी बोले थे 2020 है ना डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा सेकंड लास्ट इन द फॉलोइंग सॉल्यूट इज गैस आपके पास चार ऑप्शन है बोलता है कि किसका सॉल्यूट गैस होता है सॉल्यूट गैस है मतलब सॉल्यूट उसमें गैस है बताइए कांसा में नहीं जी कांसा में सॉलिड सॉलिड होता है पीतल में भी सॉलिड सॉलिड होता है सुगर सॉल्यूशन में सुगर पानी में जाता है ना सोडा वाटर सच्चा 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 सोडा वाटर हां डी नंबर क्योंकि सोडा वाटर बनता है कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में मिलाने के बाद तो कार्बन डाइऑक्साइड तो सॉल्यूट है जो कि गैस है लास्ट फुल एंड फाइनल दिस इज द लास्ट इन द फॉलोइंग व्हिच सॉल्वेंट इज सॉलिड निम्नलिखित में से किसका जो सॉल्वेंट है वो सॉलिड होता है मतलब सॉलिड में हम लोग घुलाए हैं ठीक है ब्रोंज में ब्रास में 22 कैरेट गोल्ड प्योर गोल्ड नहीं बारिश का मतलब थोड़ा सा उसका शुद्धता घटा है या फिर ऑल डी नंबर वेरी गुड ठीक है ब्रॉन्ज में कासा में भी आप जान रहे हैं मेटल को मेटल में घुलाया जाता है तो मेटल तो ठोस है ये भी मिश्र धातु है इसमें भी धातु को धातु में ही घुलाया जाता है सॉलिड में ही घुलाया जाता है इसमें भी सॉलिड में घुलाया जाता है और चूंकि सोना बहुत मुलायम होता है तो थोड़ा सा डाल देते हैं उसमें ताकि वो कड़ा हो जाए ताकि उसको पहनने लायक उसमें डिजाइन डिजाइन बना सके तो इसमें भी मेटल में घुलाए हैं मतलब सॉलिड में इसमें भी मेटल में घुलाए हैं मतलब सॉलिड में इसमें सोना में घुलाए हैं मतलब सॉलिड में तो तीनों में हमारा सॉलवेंट जो है वो सॉलिड है तो राइट आंसर इज डी नहीं चलिए देखो पूरा का पूरा सॉल्यूशन आप लोगों का रिवीजन कर दिए और साथ साथ 80 ऑब्जेक्टिव भी कर लिए सोचिए कितना वैल्यूबल क्लास कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास और अप्रॉक्स हुआ है आपका कितना टाइम हो जी टाइम देखो भाई नहीं है रे को हम फिर से देखते हैं इसमें ढाई घंटा का होना चाहिए चलो मस्त रहा क्लास सर बहुत अच्छा वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड हाँ टू फोर फोर हाँ टू आवर फोर्टी मिनट ढाई घंटा से दस मिनट ज़्यादा पौने तीन घंटा के करीब करीब लेकिन बाप रे बाप कितना लंबा चैप्टर था सॉल्यूशन और देखो मतलब जो है दो घंटा चालीस मिनट के करीब करीब में हम लोग जो है रिविजन भी करके अस्सी ऑब्जेक्टिव भी बना लिए ठीक है और अगर यही अपने से अपने आप ऑब्जेक्टिव सॉरी रिवीजन करने के लिए अगर बैठते आप बाप रे बहुत लंबा चला जाता बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता थोड़ा समय हम आपको बचा दिए ठीक है आप चलो जल्दी से एकदम जो है आप बेहतरीन क्लास किए हो सॉल्यूशन का रिवीजन पूरा अच्छे से हो गया ऑब्जेक्टिव भी बना लिए अब इसमें जहाँ जहाँ पर आपको जो जो शॉर्ट जो जो लॉन्ग आपको देखना है फटाफट देख के उसको थोड़ा सा रेस्ट ले लो उसके बाद देख के उसको फुल एंड फाइनली कर लेना ठीक है कल या तो पूरे के पूरे सिलेबस का हम ऑब्जेक्टिव ले लेंगे या मेटलर्जी का पहले हम आपको वन शॉट दे देंगे क्योंकि बहुत लोगों का डिमांड आ रहा था सर मेटलर्जी का वन शॉट मेटलर्जी का वन शॉट तो ज़्यादा होगा तो मेटलर्जी का ही वन शॉट दे देंगे यानी तो पूरे के पूरे सिलेबस का ऑब्जेक्टिव दे देंगे ठीक है पूरे ऑर्गेनिक का भी ऑब्जेक्टिव दे देंगे इधर दो चार दिन में हम यही सब बस करते रहेंगे ठीक है और आप ही के साथ जुड़े हुए रहेंगे एकदम क्लास चलता रहेगा एकदम चिंता वनता नहीं करना ऐसे भी जो ऐप वाले और क्लासरूम है उनका तैयारी तो मस्त है वो हमको पता है मस्ती से सब लोग एकदम पढ़ रहा है जो है रिविज़न कर रहा है लोग लेकिन जो न्यू जुड़े हुए हैं उनके लिए भी जो है हम कर दे रहे हैं ताकि आपका एग्ज़ाम उगज़ाम का डर खत्म हो जाए मैक्सिमम चीज़ रिविज़न हो जाए और मस्ती के साथ आप एग्ज़ाम दो और जल्दी जल्दी हमको गुड न्यूज़ सुनाओ कि सर मस्त गया एग्ज़ाम और नंबर भी जो है ज़बरदस्त आएगा नाइन्टी के ऊपर आएगा पी ब्लॉक में भी जो है फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिए थे ऐप में जो है जो बहुत लोग जुड़े थे उसमें तो वहाँ से भी आपको जो फ़ायदा हुआ है पी ब्लॉक में जिनका भी अगर कुछ कमजोर वमजोर होगा तो आप वहाँ से देख लीजिएगा उसमें तो थ्योरी लेक्चर उक्चर सब उसी में डाला हुआ है तो वहाँ से आप कर लीजिएगा कल देखते हैं कल क्या करें मेटलर्जी का कर दें क्या अच्छा ऑब्जेक्टिव शॉर्ट अच्छा देखते हैं दो तीन ऑप्शन में रखते हैं जनरल प्रिंसिपल का वन शॉर्ट या नहीं तो फिर पूरे के पूरे सिलेबस का ऑब्जेक्टिव ठीक है या नहीं तो फिर जो है शॉर्ट जो भी होगा वो हम कर देंगे ठीक है चलिए अब आप लोग खाना वाना बनाइए और खाना बना लिए हैं तो खा लीजिए ठीक है मस्ती के साथ अभी पढ़ते रहिए क्योंकि पढ़ने का बहुत समय है डरना एकदम नहीं है सोचना एकदम नहीं है निगेटिव एनर्जी को एकदम अगल बगल मत रहने देना फुल पॉजिटिव रहना जितना शरीर साथ दे रहा है बस मेहनत करते रहना बाकी सब गॉड पे छोड़ दो मेहनत कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट मीठा मीठा तो आएगा ही आएगा दिल से एकदम मेहनत करना है मुस्कुरा के मेहनत करना है स्माइल के साथ मेहनत करना है ठीक है मिलते हैं कल बहुत इंपॉर्टेंट क्लास के साथ आज के लिए अभी के लिए इतना ही